सत्यजीत भाई, आपके लिए जी स्वस्थ भैया, समृद्ध परिवार का मंच खुला है। आप अपने विचार, अपना परिचय बताएं। जी, आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और यहाँ पर अभी ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, और इसका जो प्रशिक्षण है मैंने आकाश चौरसिया जी से लिया था मध्य प्रदेश में जा कर के। उससे पहले भी मैं कर रहा था, लेकिन वहाँ जाके और भी अच्छा कुछ सीखने को मिला। इसके अलावा राजीव भाई को सुनने के बाद से जो भी मतलब घरेलू वस्तु होता है, जो हमारे उपयोग में, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, तो वो मैं खुद से ही मतलब बनाकर उपयोग करता हूँ अपने लिए, चाहे वो साबुन हो या नहाने का या दंत मंजन हो या जो भी, मतलब सब कुछ नेचुरल तरीके से जहाँ तक संभव हो सकता है। अभी एक दो दिन पहले मुझे नारियल तेल की ज़रूरत थी, तो फिर मैंने वो ख़रीदा था, वो नारियल का जो मार्केट में मिलता है, फिर उसको जाके कोल्हू में तेल निकलवा के लाया, वही 5 केजी लगभग लिया था, उसमें 2 लीटर तेल निकला था। फिर उसकी जो खली बची तो उसका फिर मैंने साबुन बनाने में उपयोग किया मुल्तानी मिट्टी में, तो काफ़ी अच्छा साबुन बना है वो। उसका भी होगा तो अगली बार हम कोई वीडियो बना के एक डालेंगे। तो ऐसे ही पूरे दिन मैं फ्री ही रहता हूँ, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मतलब यहाँ खेत है मेरा, एक खेत पे ही मैं रहता हूँ, अपने घर पे नहीं रहता हूँ। घर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है, पूरा चारों तरफ यहाँ पे एकदम नेचर से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, एकदम जंगल जैसा है, और यहीं पे रहता हूँ, यहीं पे खेत है बगल में, और पूरा दिन यहाँ पे बैठ के ऐसे ही कुछ कुछ करते रहता हूँ, कोई कोई काम वगैरह, घरेलू सामान वगैरह बनाते रहता हूँ अपने यूज का। और भी जो लोग भैया जो भी चीज़ बताते हैं तो मैं सभी को बताता भी हूँ, और जो लोग मतलब करना नहीं चाहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं आप हमको बना के ही दे दीजिए, तो फिर मैं उनको बना के देता हूँ, और जो मिनिमम कॉस्टिंग होता है वही मतलब मेरा जो पारिश्रमिक होता है उतना मैं लेता हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं। मतलब मेरा ये उद्देश्य है कि मेरा भी काम चल जाए, बस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का वो नहीं रहता, तो यही सब चलता है। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है इस विषय में तो हम बता सकते हैं, जैसे दंत मंजन वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें 25-26 तरह के जो जड़ी बूटी सब हैं उसका उपयोग करके बनाते हैं, फिर एक नॉर्मल वाला भी बनाते हैं जिसको दांतों की अधिक समस्या है तो उसके लिए अलग तरीके का बनाते हैं, फिर सामान्य बनाते हैं ऐसे करके। अभी यहाँ पे एक गौशाला भी खोलने की इच्छा है, अभी थोड़ा पैसे की दिक्कत है, धीरे धीरे गौशाला भी खोलेंगे। और ये भी एक मन में इच्छा है कि जो भी हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के लोग हैं तो उनको सस्ते मूल्य पर और शुद्ध सामान मिले, ये भी मेरी इच्छा है। जैसे घी वगैरह के लिए लोग बहुत इधर, आजकल क्या है ऑर्गेनिक के नाम पर भी बहुत ज़्यादा लूट मची हुई है, मनमाना दाम लेते हैं सब, 3500-3600 रुपए घी का ले रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। अगर हम गाय को नेचुरल तरीके से खिलाते हैं और उसकी कॉस्टिंग को कम करते हैं तो उसका रेट भी कम किया जा सकता है, और डायरेक्ट जिन लोगों को लेना है उनको अगर हम डायरेक्ट भेजते हैं तो इसमें मतलब जैसे ब्रांड अगर नहीं होगा तो हमारा खर्चा भी बहुत उसमें बच जाएगा, तो हम सस्ते दाम पर उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे यहाँ भी मैंने कई लोगों से बात की है तो अभी तक तो
कुछ लोगों ने इच्छा जताई है, तो मैंने उनसे ये प्रस्ताव रखा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, गाय वगैरह जो भी है आप उसमें इन्वेस्ट करके दीजिए, मैं धीरे धीरे मतलब आपको वो पैसा वापस कर दूंगा, या आप हमसे सामान लेके उसको ये कर सकते हैं। तो अभी तक तो कोई लोग वैसे आए नहीं है सामने, धीरे धीरे खुद से ही प्रयास कर रहे हैं। और बताइए आप लोग कुछ। सत्यजीत जी, वंदे मातरम। बहुत जी अच्छी आप बंदन, जानकारी दे रहे हो, और जो आपके मन की बात है वो आज आपने बताई। बड़ा अच्छा लगा कि आप ऐसा कार्य करना चाहते हो। तो स्वस्थ सनत परिवार की तरफ से मैं भी आपको इस चीज के लिए बधाई देना चाहूंगा कि आप इसमें आगे बढ़ो। और मेरी जो हमारी टीम है उसका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, और ऐसा एक नेक इंसान या आपको मिले जो आपको ये सपोर्ट करे, इन्वेस्ट करे। तो मेरी तो भगवान धनवंतरी से यही प्रार्थना है कि आपको इच्छा पूरी हो, और हमारे जो परिवार है एक स्वस्थ समस्त परिवार का, तो जी, आप जुड़े उसके लिए, आप जो कार्य करना चाह रहे हो वो पूर्ण हो। तो भैया ठीक है, आप जैसे बता रहे थे कि दांतों के लिए क्या करना चाह रहे हो, आप थोड़ा सा एक बार बताओगे? उसके लिए मैंने ऐसे ही मतलब दंत मंजन एक बनाया है खुद से, जैसे भैया बताते हैं कई सारा चीज, तो वो तो है। उसके अलावा मैंने और अध्ययन किया, जैसे बहुत सारी, एक बार मैंने क्या किया था ना, कई सारी जड़ी बूटियां खरीद के ले आया था, ठीक है, तो वो घर में पड़ी थी, तो मैं सबके बारे में पढ़ना शुरू किया कि इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है। तो दांतों की समस्या के लिए जो जो, जैसे कुलंजन है एक, वो अदरक के सौंठ के जैसा ही होता है, तो उसका भी मतलब दांतों में बहुत अच्छा उपयोग है। फिर माजू फल है, तो ऐसे करके कई सारी औषधियां हैं। बाकी जनरल तो सबको पता है, फिटकरी है, लौंग है, काली मिर्च है, सुहागा, ऐसे करके कई सारी चीजों को मिलाकर मैंने वो बनाया। उसमें हल्दी है, सेंधा नमक है, अमृत धारा है, फिर वो मिलाया था उसमें बड़ की छाल, नीम की छाल, करंज की छाल, उस सब का चूर्ण बना के, नीम की पत्तियों का चूर्ण बना के, ऐसे करके बहुत अच्छा वो बना है। मतलब जिन लोगों को भी मैंने दिया है सबका फीडबैक बहुत अच्छा आया है, और काफी मतलब मिनिमम प्राइस पर ही मैंने उसको रखा है एकदम। तो सभी लोगों ने अच्छा ही बताया है उसके बारे में। ऐसे किन्हीं को अगर बनाना होगा तो उसका पूरा जो भी है हम सारा चीज बता देंगे। वंदे मातरम सत्यजीत भाई, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पीछे से, बैकग्राउंड से ना, खेतों में जो मेंढक होते हैं या जो भी जीव जंतु होते हैं उनकी आवाज आ रही है। क्या जी जी ये सही झिंगूर की आवाज आवाज, है? जी झिंगुर जी की बिल्कुल आवाज। झिंगूर, झिंगूर की आवाज, हाँ उन्हें झिंगूर की ही आवाज है भैया। और जैसा कि आपने बताया कि आपको गौ पालन करना है, तो मैं अभी आपको व्यक्तिगत में एक नंबर भेज रहा हूँ, आप उनसे कॉल कर लीजिएगा। वो बिहार की हैं, बिहार जी गवर्नमेंट में अच्छे पोस्ट में, और पूरे बिहार के उसमें हैं, और उनकी बड़ी रुचि है, और वो जी हमेशा किसी ऐसे विश्वास पात्र का इंतजार कर रही थी कि कुछ ऐसा भाई मिले जिसके साथ मैं गौ माता के ऊपर काम कर सकूं। मैं उनका नंबर आपको 1-to-1 में भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, आप उनको फोन कर लीजिएगा। ठीक जी है, अभी वो जी अरवल जिला में, अभी अरवल डिस्ट्रिक्ट की है, अरवल डिस्ट्रिक्ट में जी पहले पटना में होता है, ऐसे पूरे बिहार की वो हेड है। तो अच्छा उनकी भी मैं एक 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 तो ये कर देता हूँ। दूसरा, आपको अगर गौ माता चाहिए तो जैसे भी प्रीति दीदी हरियाणा से हैं, उन्होंने जो अभी गौ ली वो मात्र 2,000 रुपये में गौ माता लेके गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम उनसे वो जानकारी लेके, पांच जी गाय का तो अगर 2,000 रुपये में मिला है तो
तो 5 गाय तो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, और उसको लाने ले जाने का जो भी खर्च होगा, तो ये 5 गाय का इंतजाम कर देते हैं यहाँ से आके बीच में, जैसा भी जब भी आपको अभी समय मिलता है। आपने आज इच्छा जाहिर करी है, मुझे मालूम नहीं था, तो अभी मैं कल ही इस पर कार्रवाई करके आपको बहुत जल्दी कम से कम 5 गौ माता आपको तो उपलब्ध कराता हूँ। जी, बहुत अरे वंदे मातरम भैया, वो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम की तरफ से भी। और मेरी इच्छा है भैया कि ऐसे ही 2 गाय का मैं भी सहयोग देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। तो अब क्या है कि हम टोटल, अगर हमारा पास, अगर हम इसको एक टारगेट के रूप में रखें और इसको एक उद्देश्य के रूप में, तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 5 गाय में 10,000 रुपये तो वो चाहिए। जहां से वो गाय मिली थी उस बहन को, तो हमें भी उसी रेट में मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं उसको लाने ले जाने का खर्च। तो जो भी खर्च होगा, अगर वो सारा हिसाब किताब लगा के बैठ के इसको हम बहुत ही जल्दी, मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से आपको 5 गौ माता तो पूरा आप तक पहुंचाने का पूरा प्रबंध करते हैं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक एक और मैं जो कर सकता हूँ आपके लिए, मैं आपको कल या परसों में कभी भी ग्लोबी न्यूज है वहाँ पे मैं आपका लाइव करवा देता हूँ, और वहाँ पे ही आप अपनी ये इच्छा रखिएगा, ताकि और कोई भाई बंधु अगर ज्यादा, क्योंकि हमारे चैनल की रीच बहुत कम है, ठीक है, तो वहां से अगर कोई भाई बंधु अगर जागते हैं, किसी के दिल में दया दृष्टि जागती है, तो इस काम को करते हैं। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस गौ माता के लिए आप मेरे को रात्रि 10 बजे के बाद, जैसे ही सेशन खत्म होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग कीजिएगा। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए एक भाई है, उनसे मैं बात कराता हूँ, और इसको बहुत जल्द, ताकि एक एक नया कार्य जो होता है वो पूरा हो जाए, कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के लिए एक शुद्ध देसी गाय का घी उपलब्ध हो आपके पास। गौ माता, और गौ माता अगर 5 है, 5 से 10, 10 से 20, वो दिन दूर नहीं कि हम काफी अच्छे, मतलब आपने, मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कि आज आपको देने का, मतलब बात करने का मौका मिला, और आपकी ये इच्छा मुझे मालूम हुई, तो इस इच्छा को पूरा किया जाए, पूरा मतलब हकीकत बना दिया जाए। जी 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 भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम भैया। मेरा ना लड़का जो है 8 साल का है, और वो ना काफी फैट हो गया, मतलब उसके ना काफी वजन बढ़ गया भैया, तो भैया उसको क्या करें जो उसका वेट थोड़ा सा कम हो। हेलो, बहुत ज्यादा फैट हो गया, वही बात पानी दे भैया, क्या करें। आप प्रश्न भी मुझे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ खाली हूँ, बताओ। हाँ जी, हाँ जी, रिंकू बहन आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा भैया को, पर्सनल पे बोले। भाई जी, वंदे मातरम जी, बोलिए जी। कह रहा था, मतलब वो जैसे गौ माता का सहयोग है, तो अगर ऐसी बात है तो 1,000 रुपए की बोल रहे हैं भाई साहब, तो एक गौ माता का सहयोग मैं भी देना चाहूंगा मेरी तरफ से भी। ठीक है, आप
बात कर लीजिएगा गोविंद भैया। हाँ अभी शायद कॉल पर व्यस्त हो गए। हाँ हाँ कोई बात नहीं। और नंद जी आपका तबीयत कैसा है? तबीयत ठीक हुआ? आवाज नहीं आ रहा अभी ठीक है। अच्छा अच्छा आप बताइए आपको क्या समस्या हुई थी? थोड़ा थोड़ा जोर से क्या हुआ? भाई माइक का दिक्कत है ना, बताइए आपको। अच्छा अच्छा नहीं काम करता मेरा मोबाइल का थोड़ा। अच्छा ठीक है, तो आप अपना अनुभव बाद में भेज दीजिएगा। ठीक सुशील भैया, इनको फीवर आया था बहुत ज्यादा, तो इनका फीवर मतलब जा नहीं रहा था, वो 99-100 ऐसा हो रहा था, तो काफी ज्यादा मतलब पूरे शरीर में झंझनाहट महसूस हो रही थी, करंट जैसा, मतलब इनको मतलब एक समय ऐसा फील होने लगा कि अब बचेंगे नहीं इस तरह का। और ये बचपन से कभी एलोपैथी दवा नहीं खाते हैं, एलोपैथी दवा से मतलब इनको पसंद ही नहीं है, पर इनके दोस्तों ने शायद पैरासीटामोल या कुछ खिला दिया, उसके बाद से ना इनको और ज़्यादा मतलब तकलीफ होने लगा। मतलब एक टैबलेट मतलब खाने मात्र से जो ये अनुभव बताया कि काफ़ी ज़्यादा मतलब वीकनेस, बहुत मतलब उसका साइड इफ़ेक्ट इनके बॉडी पे लगभग कई दिनों तक रहा। फिर भैया से बात की थी तो भैया ने वही नीम का छाल के बारे में बताया, नीम के छाल का काढ़ा बना के बोला देने के लिए, तो उससे फिर बहुत आराम मिला। केवल मतलब इन्होंने एक या दो टैबलेट ही खाया था, मतलब पूरे शरीर में मतलब काफी ज्यादा वीकनेस, कई दिन लगा इनको उससे रिकवर होने में, इतना मतलब साइड इफेक्ट उसका हुआ था। कोई बात नहीं भैया, अभी जो खा लिया उसको छोड़ दिया जाए, आगे बढ़ो, जो दिक्कत है उसको ठीक किया जाए। हाँ तो फिर तो वो ठीक हुआ धीरे धीरे, फिर उन्होंने दवा बंद कर दिया और वो नेचुरल तरीके से फिर ठीक हुआ शरीर। वो मतलब हम ये बताना चाह रहे थे कि मतलब वो दवा का मतलब कितना ये शरीर के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है, जनरली लोगों को नहीं पता चलता है, लेकिन अब जो कभी नहीं खाया है उसके ऊपर साइड इफेक्ट मतलब दिख रहा है। भाई साहब मैं अभी एक अनुभव बताऊं, अभी आपको तुरंत अभी का अनुभव। जी जी हेलो, देखो अभी जैसे आपका ये सेशन स्टार्ट हुआ, इसमें मैं 15 मिनट लेट आया इसी कारण, तो अभी मैं आ रहा था, आते हुए पड़ोसी उनके जबरदस्त दर्द हो रहा था, उन्होंने छाले मतलब उनके मुंह में छाले थे तो दो इंजेक्शन लगवाए थे, उनके छाती के नीचे दर्द हो रहा था, 50 के आसपास उनका एज था, तो मैंने उन्हें आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच धनिया और आधा चम्मच सौंफ और थोड़ा सा उसमें फिटकरी डाल के काढ़ा बना के दिया और 2 मिनट में उनका दर्द गायब हो गया। अभी तुरंत का है, अभी का जस्ट 10 मिनट पहले की बात है। चलिए बहुत बढ़िया है, मैं अभी आ रहा था तो उन्होंने मुझे वो लड़की मिली रास्ते में, मम्मी को दिक्कत हो रही है और जबरदस्त से चिल्ला रही थी, वो दर्द की वजह से बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा था, तो ऐसा भी मतलब ये चमत्कार एक रिजल्ट है। जी जी नहीं ये पूछ रहा था भाई साहब, ये
जैसे उस दिन गोविंद जी ने एक वो नुक्ता बताया था, जैसे किसी को वो पीरियड्स नहीं आते हैं, किसी महिला को, किसी बहन को नहीं आते टाइम से, तो उसमें कुछ और भी ऐड करते हैं या वो हाउगिर और मुरमुखी बीजापुर और वो बजूरी शरबत ही देते हैं? इसके बारे में तो हमको नहीं पता है, भगवान बताएंगे। मैं कि हाँ मैं गोविंद जी के उसमें था इंतजार है, क्योंकि मैं उनको 6 दिन से दे रहा हूँ, पर अभी उनका कुछ लंबे टाइम से बंद है, तो कुछ अभी रिजल्ट दिखा लो। ये आप हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, आ गया जी। वो कुछ पूछ रहे थे विष्णु जी। बंदे मातरम भाई, भाई साहब। बंदे मातरम जी, बंदे मातरम। वो पूछ रहा था मैं, जैसे वो पीरियड्स की दिक्कत है, आपको शायद मैसेज भी किया था जब दोपहर को। तो वो 6 दिन हो गए तो उनके पीरियड्स अभी तो कुछ दिखा नहीं। वैसे मैंने उनसे ये कहा था कि उसे लगातार रखिए आप। हाँ, अभी उसको नियमित रखने के लिए उसको बोलिए, जब इतने दिन अभी रखी है तो यह समय लगता है। तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं क्या उसमें, जैसे घरेलू? ना ना ना। अच्छा, चलो वही पूछ रहा था। वंदे मातरम। हेलो हेलो हेलो। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए, सब सुन। गोविंद भाई जी से ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, मेरे को अपेंडिक्स है, तो उन्होंने कुछ घरेलू नुस्खे बताया था, मेथी काढ़ा और नींबू शहद और अदरक का काढ़ा वगैरह, तो मुझे उस दिन से पेन तो हुआ नहीं है, लेकिन आज मेरे गैस बन रही है और उल्टी का सा जी हो रहा है और हल्का सा दर्द लग रहा है पेट में। आप इसके लिए कुछ घरेलू उपाय बताएं? वो अभी किस कारण से हुआ है, खाने पीने के कारण से हुआ है या कैसे हुआ है? वो खाने पीने का ही कुछ फर्क पड़ा है। गैस का ही दर्द होगा ना? गैस का दर्द है, वो 5-6 दिन पहले कंफर्म हुआ है अपेंडिक्स है, तो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। दूर दूर तो उतने आराम हुआ ना आपको, भैया ने बताया तो अपेंडिक्स में। उस दिन से कुछ भी नहीं हुआ मुझे, दर्द वगैरह आज तकलीफ हुई है ये। तो अभी दर्द हो रहा है, तो उस समय किस चीज का काढ़ा लिए थे? जो काढ़ा तो मेरा मेथी का चल रहा है 3 टाइम, अदरक का चल रहा है। वो भी रेगुलर चल ही रहा है कि बंद है? नहीं, वो तो चल रहा है। अच्छा अच्छा, फिर भी मतलब दर्द हो रहा है। हाँ, कुछ गैस की सी दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो अब भैया को नहीं होता तो मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, वो देखेंगे तो बता देंगे, क्योंकि ठीक है भाई जी। जी जी, वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। ये हमारी धर्म पत्नी को 2 महीने से पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए अरुण भैया ने सौंफ ऊबर और बजूरी रस बताया कि सौंफ ऊबर में सम भाग में तुलसी, काली मिर्च का चूर्ण और सौंफ का चूर्ण मिलाकर सौंफ ऊबर बनता है क्या? अरुण भैया तो आज है नहीं,
ठीक है, उसके बारे में मुझे भी मालूम नहीं है सर। देखो इसके बारे में मैं इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। जी जी बताओ भाई साहब। देखो बजूरी शरबत है वो तो मिलाना है उसमें दो चम्मच, और उसमें वो आधा आधा चम्मच वो देना है, दोनों चीजें ना जो सौंफ है। हाँ सौंफ आधा चम्मच, और आधा चम्मच क्या काली मिर्च? नहीं 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 वो लेना है आधा चम्मच हाउबेर। हाउबेर क्या होता है ये हमको समझ में नहीं आया। ये आयुर्वेद के उस पे औषधि है, वो आयुर्वेद वहाँ मिलेगा आपको। अच्छा आयुर्वेद की दुकान में हाउबेर बोलने से दे देंगे ना वो? हाँ वहाँ मिलेगा आपको वो दे देंगे। हाँ अच्छा, तो आधा चम्मच हाउबेर आधा चम्मच काली मिर्च और दो चम्मच भजूरी। हाँ इस हिसाब से देंगे उसे। इन तो तीनों को मिला करके फिर बता देना है। हाँ मिला करके तुम्हें दिन में दो बार। हाँ दिन में दो बार, इससे पुराना रुकावा पीरियड भी चालू हो जाएगा। हाँ ये पुराना चालू हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। देखो इसका पूरा अगर आप चाहे ना तो देखो मैं बताता हूँ। अगर आप में इसमें तीन चीज होती है, अगर आपको वो मिल जाए ना मुरमुक्की या बीज या बोल, तो आपको सौंफ नहीं लेना है। तो आपको करना क्या है, मुरमुक्की मुरमुक्की हाँ इसका दूसरा नाम होता है बीजा बोल, ये लेना है आपको आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही लेना है आपको हाउवेर। ये दोनों आधा 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 चम्मच लेके थोड़ा दरदरा सा कूट के एक गिलास पानी में तब तक उबालना है तब तक चौथा ही बचे। एक चौथा ही बच जाएगा ना जब पानी उबल उबल के तब, और उसको छान लेना है। छान के उसमें दो चम्मच दो से चार चम्मच तक बजूरी शरबत मिलाना है, ठीक है, और ये पिलाना है आपको सुबह शाम। ठीक है ठीक है। और इसके साथ में मेरे हिसाब से शायद और कोई औषधि तो देनी नहीं है, और अभी भाई साहब से मैं भी इसके बारे में कंफर्म करूंगा अभी आ जाएंगे जब गोविंद जी, और वो बता देंगे आगे। ये है प्रक्रिया, ऐसे देना आपको। और ये जो इसकी विधि है ना, ये मैंने अभी इस पे इसी ग्रुप पे शेयर भी कर दिया है, इसको टेलीग्राम ग्रुप पे उसको मैंने शेयर भी कर दिया, वहां से देख भी लीजिए। जी 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 ओके धन्यवाद। हाँ जी और कोई अपना अनुभव सुनाए। बंदे मातरम बंदे मातरम। उस दिन अरुण भैया से उस दिन बात हुई थी पिताजी के लिए, मैंने पूछा था उनके वो पैरों में जो सूजन आ गया था, तो माता जी का तो उस दिन फास्टिंग था इसके कारण से उतना कुछ हो नहीं पाया, जो भैया ने बताया था पैर फेंकने के लिए वो पानी में 20-25 मिनट रखने का। तो फिर तब तक मैंने मैसेज किया था गोविंद भैया को व्हाट्सएप पे भी, तो उन्होंने बेलपत्र काली मिर्च सौंठ और भी कोई चीज इसका काढ़ा बताया था, और दो बार लेने के लिए बोला था सुबह को और रात को, तो मैंने ऐसे ही बता दिया था, लेकिन शायद उन्होंने केवल रात को ही लिया, और दो तीन दिन में ही मतलब मोर देन 50% आराम आ गया। अभी बस वही काढ़ा लेने से, बाकी और कुछ नहीं किया। तो आपने बेलपत्र काली मिर्च और क्या लिया था? सौंठ और भी एक कोई चीज है, देखना पड़ेगा, वो मैसेज में है भैया ने भेजा था मुझे, तो उससे मतलब पूरा सूजन जो है पैर का बहुत ज्यादा मतलब उसमें लाभ हुआ। अभी पूरा जब ठीक हो जाता है तो एक फीडबैक मैं भेजूंगा बना के। उसमें वो पानी में डालने के लिए अरुण भैया ने बताया था, तो वो अब वो भी कर रहे हैं, उधर उस दिन नहीं हो पाया था, लेकिन बिना वो किए ही मतलब केवल काढ़ा से ही आराम आ गया था।
और एक वो नाखून वाला अनुभव आया था जो YouTube पे एक बहन का कि अरंड तेल से जो लाभ हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे नाखून में भी चोट लग गया वो काम करते करते, तो वो अंगूठे का नाखून पूरा वो आधा से ज़्यादा वो उखड़ गया था, उसमें दर्द था, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने कुछ नहीं किया, उसको अरंड तेल में वैसे ही मैंने उसको डुबा के रखा और 3 से 4 दिन में मेरा मतलब दर्द पूरा चला गया। नाखून तो अभी भी सही नहीं हुआ है, अभी भी उसमें अरंड तेल लगा रहे हैं, अभी लग रहा है कि 10 से 15 दिन लग जाएगा इसको ठीक होने में, लेकिन दर्द पूरा चला गया बिना कुछ किए, केवल अरंड तेल में उसको डुबा के रखा था, पूरा दर्द अब उसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं। वो जो अभी आपने पहले के वाला बताया था उसमें बेल पत्थर काली मिर्च और क्या बताया था, सौंठ और एक मिनट हम आपको व्हाट्सएप पे करके बता रहे हैं। अच्छा अच्छा ओके काली मिर्च और तुलसी काली मिर्च और तुलसी चार चीज बताया सुबह और रात के लिए बताया। ओके और कोई बहन भाई भी अपना अनुभव शेयर करे। और किसी को खेती के संबंध में कुछ पूछना है तो हम बता सकते हैं। किसके संबंध में? खेती के संबंध में अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो हम इसमें बता सकते हैं। अच्छा खेती के संबंध में। अच्छा तो मुझे ये बताइए, जैसे आजकल मिलेट्स का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, तो ये मिलेट्स की खेती किस प्रकार की जाती है? मिलेट्स जैसे हम लोगों के यहाँ हमने पता किया अपने बुजुर्गों से बात की जो भी थे, तो पहले जो है यहाँ पर भी ना ये रागी होती है जिसको मड़ुआ बोलते हैं हम लोगों के तरफ, ठीक है, और चावल कोदो ये सब ही हुआ करता था। तो रागी का तो करने का तरीका ये है कि जैसे धान होता है ना, धान का बिच्चा गिराते हैं खेत में, छीट देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं उखाड़ के और फिर लगाते हैं मैनुअली। तो इसी तरीके जैसे धान की बुआई करते हैं वैसे रागी की होती है। तो इसी तरीके से और भी है, सामा है, कोदो है, कुटकी है, ये सब पहले होता था। और पहले तो मतलब हम लोगों के तरफ लोग जो है ना ये अलुआ बोलते हैं, मीठा आलू शकरकंद बोलते हैं जिसको, तो ज़्यादातर मतलब घर में लोग वही अलुआ मक्खा अलुआ दूध यही खाते थे, मक्के की रोटी। मक्का भी पहले जो था वो देसी मक्का होता था, काफ़ी मीठा उसका टेस्ट होता था, अभी तो जो मक्का है इसमें इतना टेस्ट नहीं रहा है, वो सब हाइब्रिड आ गया है। तो वो जो देसी मक्का का सीड है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो गेहूँ वगैरह ये इधर हरित क्रांति के बाद जो है इतना ज़्यादा मतलब उत्पादन। और मोटा अनाज में एक खास बात है कि उसमें पानी बहुत कम देना पड़ता है और कीड़े भी उतने नहीं लगते हैं, उसका मेंटेनेंस का खर्च भी बहुत कम है। तो वैसे हमारे यहाँ भी आज जो समझ में आया ये कि मतलब जिस अनाज में कीड़ा नहीं लगता है तो वो कितना मतलब स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, उसको जो व्यक्ति खाएगा तो वो भी स्ट्रांग बनेगा। तो इसीलिए मतलब पहले ज्यादा स्ट्रांग होते थे, चूंकि पहले के पुराने लोग तो वही खाते थे। फिर ऐसा है ना, पुराने लोगों के क्या करते थे, वो हर मौसम में अलग अलग अनाज खाया करते थे, आजकल तो वही गेहूं खा रहे हैं तो पूरे 12 महीने गेहूं खा रहा है, चावल खा रहे हैं तो चावल खा रहा है, उसका भी फर्क पड़ता है ना भाई साहब। खैर उतना मतलब हम इस विषय पे चिंता नहीं करते हैं, बीच में हम भी थोड़ा डेविएट हुए थे, ठीक है, लेकिन
आदमी को ज्यादा चिंता नहीं करनी है, जो मिल रहा है। नहीं 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 नहीं, वो आपकी बात सही है, वैसे मैं चिंता की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ जैसे हमारे पूर्वज तो हर मौसम के हिसाब से अलग अलग खाते थे, वो कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, तो उस चीज को धीरे धीरे अब सुधारना पड़ेगा ना। अभी समस्या क्या है ना, बिहार में सबसे ज्यादा ये कल्चर है ना कि सब लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो नौकर बने, वो नौकरी बने बच्चे से, ठीक है, और हमको ज्यादा दहेज मिले, बस यही है। मेरा बच्चा जाके खेती करे, मेरा बच्चा जाके गोपालन करे, ये कोई माँ बाप नहीं चाहता, ठीक है। हम ये कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति अगर मतलब वही काम करेगा तो फिर खेती कौन करेगा, और खेती मान लीजिए अनाज ही नहीं उगेगा तो शहर में जो लोग रहते हैं वो खाएंगे क्या, अनाज उगाने के लिए तो जमीन ही चाहिए ना, और जमीन तो गांव में, शहरों में तो जमीन बची नहीं है, शहरों में तो सबने घर बना दिया, तो गाँव में जब तक खेती नहीं होगी तो लोग खाएंगे क्या, तो इस पर भी विचार करने का जरूरत है, मतलब वो खेती हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, प्रोडक्शन होगा तभी तो खाएंगे। जी भाई बिल्कुल सही बोला आपने जी। तो हमें सबसे बड़ी बात ये है, मतलब अपने बच्चों को उस प्रकार से डालना है, इस प्रकार से शिक्षा देनी है कि मतलब आप अपनी पुरानी चीजों को बचा के रखें, कि आपको इन चीजों से ये काम कर रहे हो, गोपालन कर रहे हो या खेती कर रहे हो, तो आपको छोटा नहीं समझना है आपको। आजकल थोड़ा समाज ने छोटा बड़े का अंतर कर दिया ना, कि नौकरी वाले को तो ऐसे समझते जैसे ये राजा है आजकल, और खेती की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। मैंने तो अब अपने पूरा टाइम इसमें ही दे दिया है, मैंने अभी तक शादी नहीं की है और आगे भी नहीं करने का ही प्लान है मेरा, अपना व्यक्तिगत विचार है मेरा, पूरा टाइम इसमें जाने वाला है, और मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति की थाली तक जहाँ तक संभव हो जहर में अन्न पहुँचे, उसके लिए हर एक व्यक्ति को अपने अपने एरिया वाइज जागरूक होना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति मतलब ये नहीं कर सकता है कि मतलब वन मैन आर्मी, एक व्यक्ति पूरे हर जगह मतलब ऐसे लोग खड़े हों जो इस तरह के काम को आगे बढ़ाएं, तो फिर ये संभव है। जी बिल्कुल, आवाज कट रही थी क्या? नहीं भाई, सुन रहा हूँ मैं, बिल्कुल सुन रहा हूँ आपकी बातों को। अच्छा, और बताइए थोड़ा बहुत, मैं भी अपना कुछ अगर और कोई भाई पूछना चाहे जितना मेरे अनुभव से मैं बताना चाहूंगा। हाँ हाँ, आप बता सकते हैं, आप बताइए जो भी बताए, नहीं कुछ पूछेंगे तभी बता पाऊंगा। अच्छा, नहीं आपके अनुभव में जो आया है वो भी बता सकते, आप क्या करते हैं? मैं देखो ऐसा है, तो राजीव दीक्षित से प्रेरित हूँ सभी की तरह, जो इस ग्रुप में सभी लोग हैं। दूसरा मैं भी क्या करता हूँ अपना प्रैक्टिस, मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरह मैं भी लोगों का यहाँ सेवा करता हूँ इस क्षेत्र में, और वैसे मैं विश्वरूप राज चौधरी की टीम से उससे भी जुड़ा हुआ हूँ, उसमें नायक वाइस ईपीएम वाइब्रेटर करा मैंने, तो मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ इधर। तो हम भी मतलब ये स्वस्थ समृद्ध परिवार या रसोई चिकित्सा, अपना घर का जो ब्रह्मांड का प्रसन्न चिकित्सालय है, इसको बढ़ाने में इसी में लगे हुए हैं। मैं राजस्थान से हूँ, वैसे भरतपुर राजस्थान। विश्वरूप राय चौधरी को भी हमने सुना है, वो काफी अच्छा बोलते हैं, हर कलर के दर्शन देते हैं, लेकिन हमारा जो इसमें विचार ये है कि मतलब व्यक्ति जितना भी व्यक्ति है सबके लिए एक ही डाइट है, मतलब ऐसा मतलब जरूरी नहीं है। यही तो हम बोलते हैं, ये देखो मैं भी उनको फॉलो करता हूँ सुनता हूँ, लेकिन ऐसा है तो पूरा 100% मैं उनको बताता नहीं हूँ किसी को। हाँ ये है, जितना उससे बन पाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर घर से काम चल रहा है तो घर वाले औषधियों से काम करते हैं। और बिल्कुल सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने पूर्वज के हम देखते हैं ना कि वो लोग कैसे क्या खाते थे क्या करते थे, उनकी दिन से रहते थे, वो तो इतना बीमार नहीं करते थे, तो बस सबसे बड़ी बात ये है कि वो दूध। हाँ बताइए।
जैसे वो दूध के लिए मना करते हैं, हमारे पूर्वज ने दूध घी खाया है, बिल्कुल खाया है, वीक है, तो कुछ समस्याएं बढ़ जाती हैं उनसे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कभी गाय के दूध के लिए मना नहीं करता हूँ। और देसी गाय के ऊपर तो मतलब इनका रिसर्च भी नहीं है, वो जो भी रिसर्च है वो तो जर्सी के ऊपर बताते हैं, ऑस्ट्रेलियन के ऊपर बताते हैं, वो कभी ये खोल के तो उन्होंने बोला ही नहीं। लेकिन वो उनके बोलने से इतना मेरी दोस्त समझ में आता है कि वो सभी गायों के इसके बारे में बताते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि आयुर्वेद का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें तो देसी गाय की इतनी महिमा है कि मतलब कहा जाता है कि केवल पंचगव्य का सेवन अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन करे तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, इतना मतलब उसमें व्यक्ति का औरा ओज भी बढ़ता है। वैसे कुछ चीजें ऐसी होती है ना, उधर से भी अगर सीखने लायक, तो अपना तो ये है कि जहाँ से सीखने को मिलता है सीखना चाहिए ना, तो उधर से भी बहुत चीजें ठीक मिलती है सीखने को। वो बढ़िया, जैसे कुछ नुस्खे उनके ऐसा है जैसे इमरजेंसी बहुत अच्छे काम आते हैं, जैसे जैसे अदरक वाला नुस्खा है, या ये जो गर्म पानी में रख लेते हैं, तो ये क्या घरेलू में ही काम आते हैं, तो ये ठीक है। मुझे जहाँ तक मालूम है ये सब जो नुस्खा जो आया है जो भी, इसमें कहीं ना कहीं मतलब धीरज भाई का योगदान है। नहीं बिल्कुल ऐसा भी है, देखो बिल्कुल है, और उसमें ये भी है कि ये नुस्खे पहले से भी थे आयुर्वेद में, लेकिन इनको दोबारा मतलब वहाँ मतलब उस प्लेटफॉर्म पे मतलब लाने की बात हम कर रहे हैं, वो तो नुस्खा तो था ही पहले से, वहाँ पे मतलब विश्रुत राय चौधरी के प्लेटफॉर्म पर जो आया है उसमें उन्होंने बहुत ये किया। नहीं पता है मुझे, वो हिम्स में पहले काम करते थे धीरज भाई, उनसे हमारी कभी कोई काम पड़ता है बात भी होती रहती है, तो बहुत अच्छे इंसान है वो। तो आज मुझे लगता है गोविंद भाई तो कहीं ज्यादा बिजी, भैया आज कहीं व्यस्त है। तो फिर सेशन को आपने स्टार्ट किया था क्या? नहीं स्टार्ट तो सुशील भाई ने किया, आज सुशील भाई ने, भैया ने बोला था कुछ अनुभव बताने के लिए, मुझे ही बोला था। अच्छा, तो मैंने अपना अनुभव शेयर किया। सुरेंद्र नाथ भी वंदे मातरम, आप लाइन पर हो तो अपना अनुभव शेयर कीजिए, जो आपने नाभि धारण ठीक करने का तरीका सीखा था। सुनिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो भैया सभी की कम आ रही है आज, पता नहीं क्या हो गया, मौसम खराब है क्या है? आ रही है भैया। मैं धर्मेंद्र नाथ जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना अनुभव शेयर करे। धर्मेंद्र जी सुन रहे हैं? वो नहीं है लगता है, सुन नहीं पा रहे। मनीष जी मातरम, आप आवाज आ रही है? कोई बात नहीं। हैप्पी दीदी, हैप्पी जी आपको आवाज आ रही है? वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, आ रही है मुझे आवाज। आज मौका है आपको अपना अनुभव शेयर करने का, तो बड़ी खुशी होगी आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। कोई जो भैया से हम सीखते हैं, तो कुछ आप शेयर कीजिए, कुछ ऐसी अपना अनुभव। भैया मैं तो कई बार ही शेयर कर चुकी हूँ, भैया बहुत सपोर्ट करते हैं, और चाहे वो मेरे बच्चे के लिए इलाज हो या मेरी डिलीवरी के बाद। थोड़ी सी आवाज कम आ रही है, थोड़ी बढ़ जाएगी तो अच्छा रहेगा।
अभी आ रही है भैया? जी दीदी अब आइए। हाँ जी, मेरा 1.5 साल का बच्चा है, तो जब से मेरा बच्चा हुआ है हमने उसको एलोपैथी दवाई नहीं दी है, तो गोविंद भैया के परामर्श पे ही हम चल रहे हैं, उसे सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी होता है तो। और मुझे भी अगर कोई परेशानी होती है, जैसे मैं पानी में काम करती हूँ तो बच्चे को ठंड लग जाती है कुछ, तो वो भी भैया घरेलू उपचार ही बताते हैं उसके लिए, तो बड़ा भैया का बड़ा सहयोग है इस चीज़ पे, और भैया बहुत सपोर्ट करके और बताते रहते हैं जब भी कोई परेशानी होती है। और रसोई घर के ही उपचारों से मेरे बच्चे के आधे इलाज हो गए अभी तक, और हमें होम्योपैथी सिर्फ एक ही बार देनी पड़ी उसको, बाकी उसे रसोई घर के उपचारों से ही हमने सर्दी जुकाम बुखार में ठीक किया है, और दांत निकलने की परेशानी में भी बस एक बार उसको दस्त बंद नहीं हो रहे थे तभी हमने होम्योपैथी दी थी, उसके पहले तो जितना भी खांसी सर्दी बुखार जुकाम या ठंड लगी हो कुछ भी, ये सब हमने रसोई घर के उपचारों से ही किया है अपने देसी नुस्खों से। तो अब ये डिपेंड करता है कि किसको देसी नुस्खे असर कर जाते हैं, नहीं तो होम्योपैथी तो है ही, तो दोनों ही असरदार इलाज होते हैं, और भैया बिल्कुल सटीक इलाज बताते हैं, और गोविंद भैया समय समय पे उसको पूछते भी रहते हैं, और अगर नहीं असर करता है कोई चीज दोबारा पूछने में भी वो उसको चेंज करके बताते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान का विश्वास रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पहले बार में अगर असर नहीं किया कोई भी इलाज तो वो डर जाते हैं और फिर नहीं करते कि अरे तो असर नहीं कर रहा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हिम्मत रखना चाहिए और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें किसी पे असर करती है किसी पे नहीं करती, तो उसमें बदलाव ला के फिर वो असर कारक बन जाती हैं, क्योंकि हमारी शरीर की तासी और प्रक्रिया सब कुछ अलग अलग होता है सबकी बॉडी में, तो कुछ लोगों की गर्म तासीर होती है कुछ लोगों की ठंडी होती है, तो उसके हिसाब से इलाज काम करते हैं, तो उसमें बदलाव करके और हम उसको कारगर बना सकते हैं, इसीलिए उस पर विश्वास रखिए। अगर फिर भी नहीं काम कर रहा तो होम्योपैथी तो है ही, तो इसीलिए मेरा तो बड़ा विश्वास है और मेरे हस्बैंड का भी बहुत ही विश्वास है। सबसे पहले हम रसोई घर का ही उपचार पूछते हैं, अगर भैया होम्योपैथी भी बताते हैं तो हम उनसे यही बोलते हैं कि भैया पहले तो आप रसोई घर के ही उपचार बताइए और उसमें कोई बदलाव करके हम देखते हैं, अगर वो भी कारागर नहीं काम नहीं करता है, तभी हम होम्योपैथी में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिर होम्योपैथी काम नहीं करती, फिर होम्योपैथी भी काम कर ही जाती है, तो हमें विश्वास बनाए रखना पड़ेगा इस चीज पे, और जिस चीज पे विश्वास होती है तो फिर सफलता तो मिलती है। जी दीदी बहुत अच्छे आपने अपने अनुभव बताए हैं, जैसे कि आपने बताया कि भैया बताते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भैया ने कोई घरेलू नुस्खा बताया तो थोड़ा वो गर्म हो गया या पेट में जलन होगी, तो हमें भी थोड़ा सा सचेत मतलब होना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा सा सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी कि गर्मी हो जाए पेट में या शरीर में तो उसके साथ में धनिया आप थोड़ा मिला दो, या नारियल पानी पी सकते है, या धनिया सबसे बेस्ट है, या सौंफ डाल सकते है, तो उसके साथ लोगे तो वो चीज नहीं होगी। तो ये चीज दीदी हमें मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा तो अच्छा रहेगा, तो उसमें कर सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि लोग किसी को सौंठ बताए ना, सौंठ पाउडर डालना है आपको, अजवाइन डालना है, तो लोग डरते हैं कि ये तो बहुत गर्म है, गर्म नहीं होते, उसकी मात्रा आप कम कर सकते हो, या उसके साथ साथ में थोड़ा सा आधा चम्मच उसमें आप धनिया डाल तो वो मतलब बराबर हो जाएगा, उससे भी लाभ होगा। तो दीदी जैसे कि आपका बच्चा 1.5 साल का है, तो 1.5 साल के जैसे दांत निकलते हैं बच्चों को लूज मोशन लगते हैं, उसके लिए जैसे कुछ आपका अनुभव हो तो बता दोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। भैया उसमें तो उसको लूज मोशन हुए थे तो हमने जो रसोई घर का उपचार भैया ने बताया था हमने किया 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन असर नहीं हुआ, फिर हमने फाइनली होम्योपैथी ही ली। तो अभी जैसे हमें परसों या दो तीन दिन पहले अदरक वाला वीडियो आया है जो गोविंद भैया ने बताया है, इनका सुमित जी का था वो वीडियो हमने देखा, तो
तो उसमें बताया अदरक का रस डालने से बच्चे को आराम हुआ, तो ये हमें नई चीज पता चली है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम जरूर बताएंगे। और हाँ, अभी मैं आपको एक और फीडबैक शेयर करती हूँ। अभी मेरे जो बहन के हस्बैंड है उनको कल से ही लूज मोशन होने शुरू हुए, और मुझे पता नहीं था, मेरी माता जी से बात हो रही थी मेरी बहन की, तो उसने माता जी को बताया था, तो माता जी अपने तरीके से बता रही थी कि केला खिला दो, ये वो है। फिर मुझे आज वो बात कर रही थी तो मुझे सुनाई में आया सुबह कि वो लूज मोशन की कुछ बात कर रही है, तो मैंने वीडियो दो दिन पहले ही देखा था, तो मैंने तुरंत पूछा कि किसको क्या हुआ है, तो उसने फिर मुझे बताया कि ऐसे ऐसी बात है, तो मैंने बोला तुम अदरक का रस नाभि में डाल दो, तुरंत आराम हो जाएगा। और अभी दोपहर में ही मैंने उसको बताया है और उसने दोपहर में ही डाला, और 2 घंटे के अंदर उनको इतना आराम मिल गया, जो पेट दर्द हो रहा था वो कम हो गया। हमने शाम को अभी उससे पूछा, 5 बजे मैंने 2 बजे के करीब उसको बताया था, मैंने 5 बजे उसको फोन लगा के पूछा, तो उसने बताया कि उनको पेट में दर्द जो हो रहा था, मरोड़ हो रही थी, उसमें भी आराम मिल गया, और पहले से भी बहुत ज्यादा आराम है, पहले से भी मोशंस इतने नहीं हो रहे हैं, इतना पेट में दर्द नहीं हो रहा। तो मतलब ये असर करने पे है और विश्वास रखने पे है, उसको भी बड़ा विश्वास है, क्योंकि वो देख रही है कि मेरे बच्चे को कोई भी एलोपैथी दवाई नहीं दी, वैक्सीनेशन नहीं दी, फिर भी वो ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा है, तो उसका भी विश्वास बना हुआ है इन सब चीज़ों पर मुझे देख कर। और वो भी बड़ी खुश हुई, उसके हस्बैंड भी बड़े खुश हुए कि मतलब दीदी ने ये बताया है, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा था, गोविंद भैया का नुस्खा है ये, और अभी मुझे 2 दिन पहले ही पता चला है, मुझे कल पता चलता तो मैं बताती, तो उसको बड़ा आराम हो गया है। और अभी मैंने दोबारा से तो नहीं पूछा, मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं फिर से ट्रैक करूंगी। और ये तो एक नया अनुभव आपने बताया, क्योंकि आप अपने को, अपने बच्चे को, अपने साथ साथ रिश्तेदारों को भी मतलब स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हो, और उसमें आप सफल भी हो रहे हो। बहुत अच्छा, आपका अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा, आगे भी आप ऐसे ही सेवा करते रहो और अनुभव बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। अब हमारे बीच अरुण भाई जुड़े हुए हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो भैया के पास टाइम हो तो आप पूछ सकते हो, अन्य को किसी का कोई अनुभव हो नया तो आप शेयर कर सकते हो। वंदे मातरम अरुण भैया। वंदे मातरम जी। भैया नमस्ते, वंदे मातरम, कैसे हैं? ओ कुशल मंगल भैया, आशा करते हैं आप भी और आपका परिवार भी कुशल मंगल होगा, भगवान धनवंतरी आपके परिवार पर बरसता रहे। भैया आज तो मैं थोड़ा सा ड्यूटी में हूँ, नाइट ड्यूटी है, तो कोई बात नहीं भैया, जो समय मिले तो किसी का आप आंसर दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और दीदी हमारे पास जुड़ी हुई है जो बड़े अच्छे अच्छे अनुभव बता रही है, तो हम कोशिश करेंगे सबका प्रयास करने का, किसी को कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो उनको स्वस्थ रखने के लिए। जी भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम, मैं जरा कुछ अनुभव आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। बंदे मातरम बाबू, वंदे मातरम भैया जी। सॉरी भैया जी, रिप्लाई थोड़ा लेट कर रही हूँ, मगर मुझे जो कमर दर्द हो रही थी और फीवर था, तो आपने मुझे बहुत सारे काढ़े के वो भेजा था, पर उसमें से मैं बुखार के लिए वो दालचीनी और लौंग का ही काढ़ा मैंने कंटिन्यू रखा था, उससे मुझे बहुत आराम मिला था, और कमर दर्द में मैं 2 दिन जमीन पर लेटी थी तो उससे मेरे कमर दर्द में आराम हो गया था। धन्यवाद भैया जी, आप जो भी तकलीफ के लिए मैसेज डालते हैं आप उसका रिप्लाई करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भैया नमस्ते, मैं अजमेर से बोल रही हूँ, मुझे ब्लड की कमी है, आप जो भी
मुझे घरेलू इलाज बताते हैं वो मैं प्रॉपर तरीके से कर रही हूँ। मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। आज मेरा सिर बहुत जोर से दर्द कर रहा था। आपने बताया कि 5-5 बूंद नाक में सरसों के तेल के दाने और 2 लौंग 2 चुटकी दालचीनी पाउडर को 1 कप गर्म पानी में उबालकर उसे आधा रहने पर पिए। पीते ही मुझे तुरंत आराम मिल गया। बहुत ही सरल और तुरंत आराम देने वाले घरेलू उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। खूनी बवासीर, बाधी बवासीर और फिशर के लिए नक्स ओमिका 30CH और सल्फर 200, ये दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है। और हर दिन नक्स ओमिका रात में भोजन के आधे घंटे बाद 1 बूंद जीभ पर टपकानी है और उसके 10 मिनट तक पानी पीना नहीं है। और सल्फर 200 हफ्ते में एक ही दिन सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है। उसके साथ लता करंज के बीज को जलाकर उसकी पाउडर बना लेनी है और 4-5 चम्मच मक्खन लेके उसमें वो मिक्स कर देनी है। और रात में सोते टाइम बवासीर वाली जगह पे मल द्वार पे हर दिन लगानी है। 15-20 दिनों में 100% बवासीर से मुक्ति मिलती है। गोविंद भाई, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। नमस्कार गोविंद भैया जी, मेरा नाम पंकज है और मैं अयोध्या जिले का रहने वाला हूँ। मुझे 4 पथरी की समस्या थी, जिसमें 2 पथरी 3-3 mm की, 1 5 mm की और 1 10 mm की थी। तो मैंने होम्योपैथिक में इसकी रिपोर्ट दिखाई और वहाँ से डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ दी और फिर मैंने गोविंद भैया जी से यूट्यूब के माध्यम से संपर्क किया तो उन्होंने कुलथी की दाल को उबालकर पीने को कहा और तुलसी, अजवाइन, छोटी इलायची को भी उबालकर पीने को कहा, जिससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ और 1.5 महीने के अंदर 1 पथरी निकल गई और जो बची हुई है वो भी धीरे धीरे निकल जाएगी। कुछ चीज़ें अलग से भी मैंने की, जिसमें 1 नींबू मैं सुबह में पीता था और पानी की मात्रा को भी मैंने 4-5 लीटर कर दिया था, जिससे पथरी की समस्या में काफ़ी आराम मिला। तो इसके लिए मैं गोविंद भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद गोविंद भैया जी। वंदे मातरम। मैं राजेश अग्रवाल, उड़ीसा से। मेरा चाची जी को सांस का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने उनको होम्योपैथी की एक दवाई है 2 डोज लेने के लिए बोला था, एक एक डोज 8-8 दिन में बोला था। तो चाची जी ने क्या समझा पता नहीं मेरे को, तो 30 ml का होम्योपैथी का 2 बोतल मंगाई और 1 बोतल 30 ml का पूरा पी गई और पीने के 5-10 मिनट बाद उनका बहुत सारा साइड इफेक्ट निकला। आँख लाल हो गया, छाती में दर्द होने लगा, श्वास लेने में भी तकलीफ हुआ, पेट दर्द हो रहा था। इस तो फिर सब कोई घबरा गए घर में, तो मेरे को बोले, तो मैं तुरंत गोविंद भैया को फ़ोन किया तो गोविंद भैया को बताया सब ऐसे ऐसे। तो गोविंद भैया बहुत हिम्मत दिए मेरे को और ना घबराते हुए वो तो कुछ होम्योपैथी का मेडिसिन बोले और कुछ घरेलू नुस्खे बोले करने के लिए। तो मैं तुरंत देना चालू कर दिया और मेरा खुद का अनुभव भी कुछ था वोमिटिंग वगैरह सब कराने का, तो मैं उसको भी चाची जी को करने के लिए कहा तो किए। तो थोड़ा थोड़ा करके वो चाची जी 1-2 दिन में पूरा स्वस्थ हो गए। तो मेरा एक कहने का मतलब है, दवाई लेने से पहले होम्योपैथी का हो
आयुर्वेदिक का हो या एलोपैथी का हो, मात्रा का जानकारी सही से लेना चाहिए, नहीं तो कुछ बड़ा अघटन घट सकता है। ठीक है, वंदे मातरम। हेलो मैम, वो बेटा तो भूल गया हो दवाई कौन सा, एक तो दवाई का लिस्ट याद है, राजेश तो भूल गया, बोला मैं मेरे को बताए होंगे, मेरे को एक ही दवाई याद है खाली, और वो भी 15 दिन में एक बार लेने के बने नहीं आती। अभी तो मैं मैम से बात की थी, वो बोले कि 2 दवाई लिखी हो और 8 दिन में एक बार लेने के लिए। तो बोले नहीं मैं तो भूल गया, चाची आप फिर से पूछ लीजिए फोन करके, मैम बता देंगी आपको दवाई का नाम और आप फिर उस हिसाब से करिए। हाँ लिखिए। हाँ बोलिए। वैसलिन BSEI। हाँ मैम। LL। हाँ। NUM। हाँ। वैसलिन 200। अच्छा 200 है, 8 दिन में एक बार, ठीक है। हाँ अच्छा, कितना करके है, कितना मतलब एक डोज लेना है। अच्छा अच्छा, वो एक पूरा डोज आएगा, उसको पूरा डोज लेना है। हाँ अच्छा। 2 डोज खरीदेगा। अच्छा, एक डोज लेंगे, एक डोज रख देंगे। हाँ, और 8 दिन के बाद और दूसरा डोज लीजिए। अच्छा मैम, और कौन सा, एक चाहिए और भी एक हो? नहीं और कुछ नहीं। अच्छा ये एक ही डोज, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। धनिया 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 गिलास पानी में डाल के उबालें, जब पानी चौथाई रह जाए तो ठंडा करके पिला दें। 3-4 चम्मच चावल 2 कप पानी में 5-6 घंटे भिगो दें, उसके बाद उसको अच्छे से मसल के छान के वो पानी पिला दें। वंदे मातरम। प्रणाम भैया जी, मेरे भतीजे को सूल हो रहा था, खून भी आ रहा था सूल में, तो हमने आपसे उपचार पूछा था, आपके बताए अनुसार हमने 2 चम्मच धनिया का काढ़ा बना के दिया था, 1 गिलास पानी में धीमी आंच पर उबाल कर 1/4 जब रह गया था तो उसको दिया, और 4-5 चम्मच चावल भिंगो कर 4-5 घंटे भिंगो करके मसल के उसका पानी दिया, एक बार ही दिया था और उसका सूल ठीक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अभी जो आपने इसमें एक अनुभव सुने होम्योपैथ की दवाई का, तो इसमें दोनों आपने आवाज सुना, एक जो बाद में चाची जी जो बात कर रही थी डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला था कि बैसलिनम की 200 की 2 डोज लानी है, और उनसे गलती क्या हुआ कि उन्होंने बैसलिनम 200 की 2 बोतल पूरी 30 ml की ले आए। अगर वो वहां पे दुकान वाले को डोज बोलते तो दुकान वाला मीठी गोलियों में बना के 2 डोज दे देता, या कुछ गोलियों में डाल के दे देता, बोलता आधी गोली अभी खा लीजिए और आधी गोली बाद में खा लीजिएगा 8 दिन बाद। तो एक तो गलती उनसे हुई, डॉक्टर से नहीं हुई है गलती, उनके खुद समझने में गलती हुई है, और उन्होंने जाके सीधे बैसलिनम 200 की 30 ml की 2 बोतल ले आई और एक खुराक समझ के पूरी की पूरी बोतल पी गई, इसलिए उन्हें वो तकलीफ आई। अल्कोहल, प्लेन अल्कोहल होता है, चाहे कम हो या ज्यादा, जो ज्यादा पीने की वजह से, और उसमें बैसलिनम का जो अपना दुष्प्रभाव होता है वो दुष्प्रभाव नजर आया। जो उनके भतीजे ने एक ऑडियो बना के भेजा कि किस तरीके से दिक्कत आई थी, चक्कर आ रहे थे, बेहोशी छा रहा था, घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, सांस फूल रहा था, तो सारी चीजें धीरे धीरे रसोई घर की होम्योपैथ की दवाइयां, उल्टी और दस्त कराने जैसे क्रियाकलापों को करा के
दो से तीन दिन में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। वंदे मातरम। आप लोग जब बात कीजिए थोड़ी देर, मैं एक कॉल आ रहा था, मैं कॉल अटेंड कर लूं। जी भैया, वंदे मातरम। भैया किसी और का कोई अनुभव हो तो आप शेयर कीजिए। वंदे मातरम सुनील जी, मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। वंदे मातरम जी, जी सबको वंदे मातरम। और वंदे मातरम, मैं आपको पहले याद किया था और मैं जैसे कि आपकी वीडियो हमने देखी थी, आप दिल्ली आए थे तो आपने नाट्य धारण करनी सीखी थी, तो आपने अपने गांव जाके या शहर में आपने प्रैक्टिकल किया, तो कोई अनुभव शेयर कीजिए। अभी हम सबसे पहले कि गोविंद भैया के थैंक्स बोलेंगे कि वहाँ हम लोग को ये ले जाकर पति पत्नी दोनों को हम लोग को ट्रेनिंग करवाए, बहुत अच्छा लगा वहाँ का मेरा ट्रिप, बहुत कुछ सीख करके आए वहाँ से। और अभी यहाँ आने के बाद तो उस तरह का कुछ पेशेंट कोई आदमी बताया नहीं है जिसको हम लोग कर सके उन्हें, लेकिन 50% पूरा कर दिए हैं, जैसे कि किन्हीं लोगों को सेवा की जरूरत हो तो हम उनको मदद कर सके। लेकिन आने के बाद लगभग 2-3 अनुभव हम शेयर करना चाहते हैं जो एकदम बीता है। हमारे नाम से सब लोग गूगल से सर्च कर करके हमसे बहुत सी सलाह लिए, जिसमें एक था आपका कहाँ का, एक राजकोट में एक बच्चा पढ़ता था, उसको लगभग 18 दिन तक फीवर हो गया था, उसको लगभग 40-40 फ्यूचर दिया गया था। तो हमें संपर्क किया, कहा कि अगर हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारे बच्चे का हालत कैसे है, तो हम सब कुछ जानकारी लिए, लेकिन वो हमारे से संपर्क ना करके आगे बढ़ गए। हम दोबारा संपर्क किए तो बताया कि काफी फीवर था, अभी नहीं है। तो मैंने उनको कुछ कहा कि आप जो भी दवाएं खा रहे हैं सब बंद कर दीजिए, और मैंने कहा सिर्फ कुछ नहीं, तुलसी 15 तुलसी पत्ता 3 काली मिर्च लीजिए और उसको 1-1 घंटे पे पिलाइए उसको, और बिना सोचे समझे आप कुछ नहीं कीजिए, यही करना है। और 3 घंटे के बाद बताया कि मेरा बच्चा का फीवर नहीं है, फिर भी हो सकता है देख लीजिए, रात को भी फीवर नहीं आया, सुबह भी फीवर नहीं आया, लेकिन तब तक जांच करवा चुके थे वो लोग, तो डेंगू का कुछ प्रकोप बता रहा था, लेकिन वो फीवर खत्म हो चुकी थी, हल्का सा प्लेटलेट्स का कम बताया, लेकिन हमने कहा कि बस पीपल के पत्ते का 3 दिन सेवन कर लिए 10-10 ml, आज ही बताए हैं का आज वो भी शुरू कर दिया है, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक है। दूसरा अनुभव है, एक महिला है जो फोन की, जिसको हम जानते भी नहीं है, जानते तो किन्हीं को भी नहीं है, आज देखे भी नहीं है, लेकिन फोन से बात किए तो आज तीसरा दिन है, कहें कि बहुत जरूरत से मेरे पेट कब्जियत है और लैट्रिन नहीं हो रहा है, 3 दिन से हम एनिमा ले रहे हैं एलोपैथ का। तो मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी थी कि एनिमा लेने से एलोपैथ का और खराब स्थिति हो जाती है, और कि जो लिक्विड छोड़ता है लिक्विड ना छोड़ कर 3 दिन के बाद वो और ज़्यादा खराब हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में और ज़्यादा कब्ज हो जाती है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, उसे बंद करिए तत्काल, अभी सुषुम पानी पीजिए, दिन की बात ही सुषुम पानी पीजिए, वज्रासन में बैठे अब मल द्वार पर अरंड का तेल लगाइए, 1/2 घंटे में आया कि बिल्कुल उसको बिल्कुल आराम मिल गया, लेकिन कल होकर फिर बताया कि फिर उसी तरह से दिक्कत आ रही है। कुछ नहीं, रात को रात में त्रिफला लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप हर्रे मिलाइए 1/2 चम्मच, और 3 चम्मच अरंड का तेल मिलाकर के लगातार 3 दिन सेवन कीजिए। आज फोन आया इनका कि मैम 70% में आज रिलीफ मिल गया है, हम कि कल आप एक दिन और खा लीजिए और उसका एक अनुभव बना करके शेयर कर दीजिए मुझे, जिससे कि हम आपको अपने वेबसाइट पर लगा दें, जिससे कि लोग आप दूसरा लोग सुने। ये दूसरा अनुभव हो गया। एक तीसरा अनुभव और है, एक और है जो लोग, एक महिला थी सिलीगुड़ी की, वो भी फोन की मुझे, वो असल में बहुत पहले हम उनको एक ट्रीटमेंट किए थे फीवर का कोरोना काल में, तो हमसे संपर्क किए वो, तो कहे कि 18 दिन से हमें फीवर है, आपको नंबर भूल गया था, लेकिन कैसे कैसे फिर नंबर आपको मिला हमसे,
इतना ना जांच करवा करके उनको परेशान परेशान हो गए थे, फीवर नहीं जा रहा था, लेकिन उनको भी सिर्फ हम आपको तुलसी पत्ता और काली मिर्च से ही ठीक कर दिए उनको। माते दूसरा दो ही डोज में उनका खत्म हो गया। आज वो कह रहे हैं कि सर मुझे थायराइड भी है, हमको थायराइड के लिए बता दे, सिर्फ धनिया का पानी पी लिए, उनको सलाह दिए हैं। आज कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिलीफ है, कमजोरी थी बहुत कमजोरी के दूर हो गया है ना। ऐसा इनमें बहुत और धीरे धीरे अनुभव बनते जा रहा है, लेकिन इतना चाहिए कि बहुत कुछ सीखे हैं गोविंद भैया से कि कैसे लोगों को मदद कर सकते हैं। ऐसे तो पहले तो हम अवेयरनेस का काम करते थे स्वास्थ्य के प्रति, तो ऐसे स्थिति में मैं भी लगभग 22 साल से कोई अंग्रेजी दवा नहीं खाया हूँ, याद ही नहीं कि हम दवा खाए हैं। और प्रकार करीब घर में भी लोग नहीं कभी खाते हैं, कुछ कभी कभी इमरजेंसी में कुछ लोग खा लेते हैं लेकिन दवा नहीं खाते हैं। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि 22 साल से मैंने अभी तक कोई दवा नहीं खाया है। ओके, वंदे मातरम सुनील जी। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, आपने अपना अनुभव शेयर किया। बाकी मैं एक छोटा सा आपसे जुड़ा हुआ एक अनुभव हुआ है, मैं शेयर कर लेता हूँ कि जो आपने दिल्ली में आके जो सीखा था अजीत भाई से नाभि और धरण ठीक करना, वो हाँ। तरीका मैंने वीडियो देख देख के, मैंने एक पेशेंट दो पेशेंट को मैंने किया है और उनकी पुरानी दिक्कत थी तो साथ तो मतलब रिलीफ नहीं मिला, पर उनको एक बार करने से काफी आराम मिला। तो मैंने उनको कल दोबारा बुलाया है, तो वे कल आएंगे खाली पेट। तो जो जैसे कि आपने सीखा है और मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ वीडियो देख देख के, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे नए अनुभव से लोगों को ठीक करने से तो उनको भी अच्छा लगता है, तो उसका रिजल्ट मिलेगा। कहाँ अंतर हो रहा है? नाभि में, जैसे कि पास में जो राइट लेफ्ट साइड के ऊपर थोड़ा सा दर्द, मतलब दर्द होता है नाभि हटने के कारण, तो वो अजीत भाई ने बताया आपके जो कर रहे थे ना उस टाइम कि यहाँ दबाओगे तो यहाँ दर्द करेगा, तो वो नाभि हटी हुई है, ये सबसे बड़ी पहचान है बताया। तो वो ही मैंने उनको पॉइंट दबाया तो उनको काफी दर्द था, तो मैं समझ गया कि ये तो अजीत भाई ने बिल्कुल सटीक बताया था, इनकी नाभि गिरी हुई है। तो बाकी जो तरीके होते वो भी मैं जांच कर रहा था उसके साथ साथ में, क्योंकि मैं एक्यूप्रेशर का विशेषज्ञ हूँ, तो जैसे हाँ, कि हाथ की रेखाएं मिलाना और पैर की रेखाएं मिलाना और हाथ रख के नाभि के बीच में देखना, तो ये भी एक तरीका है चेक करने का और ठीक करने के। हमारे पास कई तरीके होते हैं, पर मैं नई चीज सीखना चाह रहा था, जैसे कि आपके अजीत भाई ने किया था वो प्रयोग, वो मैं उससे ठीक करना चाहता हूँ, तो उससे बड़ी जल्दी ठीक होते हैं। तो मैं अनुभव जो आगे आएंगे तो मैं शेयर करूंगा ग्रुप में और अच्छा लगेगा। जी चलिए चलिए, वो तो खैर अच्छा है। और ऐसा नहीं, नहीं बता रहे थे कि कहीं दर्द बचा हुआ, कहीं पर कहां दर्द बचा हुआ था समझ नहीं पाया धर्मेंद्र नाथ जी, क्या कहना चाह रहे हो? जैसे अभी कहा ना कि अब नाभि का दर्द है तो खत्म हो गया था ना, कि और कहीं दर्द रह गया था क्या कहीं? देखो क्या है ना, उनको पुरानी दिक्कत है तो ठीक होने के बाद भी वो 2-3 दिन मेरे हिसाब से रहता है, क्योंकि एकदम से नहीं जाता नाभि, जैसे कि काफी समय से दूसरी जगह सेट है और वो अपनी जगह आ भी जाए तो वहाँ पे 2-3 दिन का दर्द रहता है दबाने से। नहीं, हम जहाँ तक बताया था एक साथ कौड़ी का भी दिक्कत हो सकता है, उसमें देखे हुए उसमें आवाज नहीं आ रही है। जी धर्मेंद्र नाथ जी आप बताइए, कौड़ी के बारे में बता रहे थे कि हो सकता है कौड़ी के पास में उसका भी दर्द आता है कभी कभी वहां पर, और जिसमें ट्रेनिंग में अजीत भाई जी बता रहे थे। जी जी जी, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने ठीक कहा, पर मैं कौड़ी का मेरे को ज्ञान है, मैंने कौड़ी का उनको दबाया, कौड़ी की कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल उनको नाभि की दिक्कत थी, हाँ वो मैंने चेक कर ली थी। अच्छा, तो ठीक बात है, जल्दी हम भी शेयर करेंगे। हमारे वाइफ का भी जो नाभि सेट करवाई थी तो अभी तक दोबारा अभी तक दर्द नहीं आया है, लगभग 22-21 साल से का दर्द था, वो अचानक वो वही खत्म हुआ जो अभी तक नहीं आया है लौट करके। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने अनुभव शेयर किए, हमारे स्वस्थ समर्थ परिवार में ऐसे कर्णधार की जरूरत है और ऐसे ही हमारा ग्रुप चलता रहे। किसी और सदस्य का कोई अनुभव हो तो वो शेयर कर सकता है, बता सकता है, बड़ा अच्छा लगेगा।
आज मौका है, भैया का आदेश है। गणेश जी वंदे मातरम। रिंकू कुमारी वंदे मातरम, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? आपके पास आ रही है वंदे मातरम भैया जी। दीदी कुछ आप शेयर करना चाहोगे तो बड़ी अच्छा लगेगा भैया। शेयर कुछ पूछना था भैया, अभी से हम करते हैं लेकिन ना बोलना था कि ना मेरा एक लड़का है। आप कोई समस्या हो कुछ हो तो पूछ सकते हैं, हमारे सारे सहयोग मतलब देने वाले हैं, जैसे कि भाई अरुण जी है, धर्मेंद्र नाथ जी है, सत्यजीत जी है और स्वाति दीदी मेरे साथ से जुड़ गए, तो वो भी बहुत अच्छे आपको बता सकते हैं घरेलू नुस्खे। आप क्वेश्चन कीजिए भैया। वो ना उसका ना लैट्रिंग है ना नहीं से हो पा रहा है, दो दिन से नहीं हो पा रहा और ना उसको घी भी पिलाए तो भी उसका नहीं हो रहा, तो कब्जियत की प्रॉब्लम हो गई है। तो बोल रहा था गोविंद भैया से पूछो ना मम्मी, तो किए थे कॉल तो भैया ने कहा कि आप वीडियो। हेलो जी, आप ये एज बता दो किसको, कितनी एज है पेशेंट की? वो मेरा लड़का का मतलब नाइन मतलब नौ वर्ष का है भैया, नौ साल का है। ठीक है ठीक है, तो उसका पेट साफ नहीं हो रहा दो तीन दिन से जी। दो दिन तो कंटिन्यू आज गया भी तो जबरदस्ती घी डाले तो थोड़ा सा मम्मी बहुत कड़ा हुआ लेकिन ठीक से नहीं हुआ, और बहुत ज्यादा मतलब गैस इतना छोड़ रहा है कि मतलब बहुत परेशान। वही बोले क्या कि लैट्रिन जब तक क्लियर नहीं होगा ना भैया तो कोई भी बीमारी ठीक कैसे होगा, लैट्रिन तो जरूरी है एकदम लैट्रिन होना। जी दीदी बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखो जो मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता सकता हूँ, नौ साल का बच्चा है तो आप एक काम कीजिए, उनको खाना बिल्कुल हल्का दीजिए, लाइट खाना दीजिए, लिक्विड ज्यादा दीजिए और सलाद दीजिए, फ्रूट दीजिए, ठीक है। और रात को सोते समय अरंडी का तेल आप आधा चम्मच से एक चम्मच, आधा चम्मच बहुत है, उसमें गुनगुने दूध में मीठा डाल के वो आप रात को सोते समय पिलाइए। अभी देने जा रहे हैं, अभी देने जा रहे हैं। हाँ हाँ ये दीजिए, और गुदे मार्ग में हल्का सा नारियल का उसका ये अरंडी का तेल लगा सकते हो आप, तो और अच्छा आसानी रहेगी। नाभि पे भैया? ठीक है, नहीं नहीं नाभि पे भी लगा सकते हो, गुदा मार्ग। अच्छा अच्छा, मन द्वार वो भी। हाँ 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 ठीक है, उसमें कारगर कर सकते हैं। और बाकी किसी हमारे किसी का कोई अनुभव हो मतलब ऐसे किसी को पेशेंट ठीक किया तो वो भी बता सकता है, जैसे हमारे धर्मेंद्र नाथ जी हैं या स्वाति दीदी है। भैया आवाज आ रही हेलो दीदी। हाँ देखो, अनुभव मैं बताता हूँ, इसमें आप एक चम्मच के आसपास पुदीना लीजिए, पुदीना पाउडर हो, और एक चम्मच के आसपास लीजिए अदरक का रस। पुदीना को तो क्या उबाल लेना है, उसका काढ़ा बना। आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ी बात आके बोलिए आप। एक पाउडर पुदीना चम्मच देना, एक चम्मच पुदीना पाउडर उसको एक गिलास में से आधा गिलास रहे तब तक उसको उबालना है, फिर उसमें एक चम्मच अदरक का रस मिला के देना है उसको, उसको समझ क्या तो हो सकता है बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाए। मैं कई बार अजमा चुका हूँ, हर बार रिजल्ट अच्छा आता है। विष्णु जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति दीदी आप कुछ बताना चाह रहे थे, आप बता दीजिए। हाँ जी भैया, भैया आवाज आ रही है? नमस्ते भैया। नमस्ते, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप बताइए। के लिए कॉन्स्टिपेशन है ज्यादा, पेट साफ सारा, तो वही जो आपने बताया कैस्ट्रोल, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। दूध के साथ कैस्ट्रोल उसको रात में दें तो अच्छे से मतलब मोशन सुबह क्लियर हो जाता है। जी दीदी बिल्कुल राइट है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा नेचुरोपैथ में क्या करते हैं, जिसका पेट साफ नहीं होता है तो सुबह खाली पेट तो है ही नहीं, तो उसमें ठंडी पट्टी भी रख सकते हैं,
तो उससे भी क्या होता है कि पेट धीरे धीरे जो आते हमारे मल चिपका होता है वो धीरे धीरे उतर के साफ हो जाता है, तो ये भी साथ कर सकते हैं। भैया पट्टी रखनी होती है या बांधनी होती है ठंडी पट्टी जो कह रहे हैं? सुबह खाली पेट दो तरीके होते हैं, एक तो ना ठंडी पट्टी का क्या होता है कि आप जो गीली देखो चिल्ड पानी लीजिए, एक टॉवल डालिए और उसमें निचोड़ के पेट के ऊपर रखिए, फिर डालिए फिर निचोड़िए। दूसरा तरीका क्या होता है कि उसी को निचोड़ के बांध लो ऊपर से स्टोल या स्टोल आप लपेट के रखो आधा घंटा एक घंटा, ठीक है। या किसी के पास टाइम ही नहीं है तो क्या करते हैं कि रात को बांध सो जाओ, उससे भी लाभ होता है। फिर एक तीसरा तरीका है कि आप ना चिकनी मिट्टी लीजिए, चिकनी मिट्टी लीजिए और उसको भिगो लीजिए, जैसे कि किसी खिलौना बनाते थे ना बचपन में हम मिट्टी का, तो उसको ऊपर नीचे कपड़ा रखिए उसके बीच में और उसके ऊपर पेट के ऊपर रखिए, वो बड़ा लाभ है। ये नेचुरोपैथ में बड़ा सटीक मतलब ये उपचार है वो देते हैं, जिसको पुरानी कब्ज हो, पेट में स्वेलिंग हो, दर्द रहता हो, तो उससे काफी लाभ होता है, ये मैंने अनुभव किया हुआ है। तो अभी छोटा बच्चा है 9 साल का, तो मेरे हिसाब से अरंडी के तेल से सुबह पेट साफ हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाएगा, तो 1 से 2 दिन में हो जाता है जी। रिंकू दीदी आपको मेरे हिसाब से ये उपाय मिल गया होगा, किसी और का कोई मतलब कोई कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो कर सकते हैं। भैया जैसे अगर पट्टी रखा और ठंडा भी लगता है ना, मौसम ऐसा हो कि ठंड लग रही है तो फिर? हाँ दीदी मैं उसके लिए बता देता हूँ, आप एक काम करो ठंड नहीं लगेगी, उसमें क्या करो आप ठंडी पट्टी जैसे कि ना टॉवल चिल्ड पानी लो, उससे डरना नहीं है, और निचोड़ के इसको ऊपर रखो, ऊपर से स्टोल या सोल जो मैंने तरीका अपनाया ना वो ठंड नहीं लगेगा, 2 मिनट ठंडा लगेगा, उसके ऊपर लपेट दो आप कमर से उसमें, तो ठंड नहीं लगेगा। ये आप अनुभव करना, मतलब अपन को उसको बस गीला रखना है, ऐसा नहीं है कि मतलब उसको सिर्फ गीला रखना है, ऐसा नहीं है कि अपन को ठंडा ही करना है, हवा लगती रहनी चाहिए। चिल्ड पानी लो उसमें डालो, टॉवल डालो और निचोड़ दो अच्छी तरह, निचोड़ के 4 तह बना के पेट पेट पे रखो, और स्टोल या सोल होता है ना उसकी 4 तह बना, हाँ हाँ, और उसको पेट लो तो ठंडा नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो, कोई हो तो पूछ सकते हैं, हमारे जुड़े हुए सभी सदस्य, हम कोशिश करेंगे प्रयास करेंगे आपको करने के लिए। खून वाले तो अनुभव खराब था। हेलो जी दीदी, स्वाति दीदी कुछ कह रहे थे आप जी? भी आवाज नहीं आ रही मुझे लग रहा है, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, कई बार कट कट के आती है। अच्छा मैं ये पूछ रही थी, खून वाला अनुभव था, उसने कैस्ट्रो ऑयल बताया था ना, कैस्ट्रो ऑयल में लगाया था ना कि हल्की था साथ में? किस चीज के लिए दीदी? जो वो नखून खराब है बोल रहे थे कि नखून खराब। हाँ हाँ दीदी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जिसका नखून खराब हो तो उसको भैया ने बताया था कि बारंबार मतलब ना अरंडी का तेल लगाइए और उसमें डुबो के रखो थोड़ी देर, तो और अच्छा है। वैसे इस चीज के लिए हमारे सत्यवान नायक जी ने भी एक चीज बताई थी, उनको एक दिक्कत थी कि नखून उनके खराब हो चुके थे, इन्फेक्शन हो गया था नखूनों में, तो उन्होंने तो कई चीजें बताई थी, कहूंगा तो मैं शेयर कर दूंगा वो चीज, मैं आपको मतलब ग्रुप में यहाँ पे डाल दूंगा, कहूंगा तो आप देख लेना वो भी। अच्छा मणि कुमार जी कुछ क्वेश्चन कर रहे थे आप जी? मणि कुमार जी बोलिए जी। मेरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति, उनका उम्र 50 वर्ष है, उनको आज लूज मोशन हो रहा है, 4-5 हो गया है, तो इसके लिए क्या सौंफ जीरा एक लौंग को एक गिलास पानी में उबाल कर दिया जा सकता है या फिर और कुछ दे? भैया मेरी है ना कॉल आ गई थी, आप दोबारा क्वेश्चन करोगे तो मैं सुन पाऊंगा। जी जी, एक व्यक्ति उनका उम्र लगभग 50 साल है, उनको आज लूज मोशन हो रहा है, 4-5 हो गया है, 6 हो गया है, तो उनको क्या सौंफ जीरा और एक लौंग उबाल कर दिया जा सकता है?
या फिर और कोई दूसरा दवा घरेलू उपचार बताने का? जो देखो लूज मोशन हो रहे हैं, 50 साल आयु है उनकी, ठीक है ना जी? यही है ना जी? जी जी हाँ, तो आप ना जो जो उल्टी आ रही हो तो उसमें लौंग का उपयोग होता है मेरे हिसाब से, ठीक भैया? जैसे कि उनको पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, 50 साल की आयु है, तो आप अरंडी का तेल सबसे बेस्ट है। तो रात सोते समय 1 से 1.5 चम्मच आप गुनगुने दूध में, मीठे दूध में आप डाल के दीजिए 2 से 3 दिन, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सुशील भैया उनको दस्त आ रही है ऐसा बोल रहे। अच्छा दस्त आ रही है, दस्त में तो फिर ठीक है, तो उसमें फिर ना सबसे अच्छा तरीका है, दस्त में हमारी अभी दीदी ने बताया था कि अदरक का रस नाभि में लगाइए और आप 1 गिलास पानी लीजिए, 2 चम्मच उसमें आप जीरा उबालिए, ठीक है? तो जब वो मात्रा कम रह जाए उसको नॉर्मल करके आप दिन में 2-3 बार पिलाइए, उससे लूज मोशन ठीक हो जाएंगे। भैया नाभि में लगाना है, डालना है। रीना दीदी वंदे मातरम, बहुत बहुत हमने तो उनको सौंफ जीरा और एक लौंग पानी बनाकर दिया है लूज मोशन में। ये जो है ना अदरक का रस है ना, लगाना है वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारी रीना दीदी आ गई है, वो और अच्छी मतलब काफी अच्छी आपको घरेलू नुस्खा बताएंगी, आप सुनते हैं जी। रीना दीदी बोलिए। हाँ ये प्रैक्टिकल किया हुआ है भैया 2-3 दिनों पे, तो ये अदरक का रस है ना लगाना नहीं है, नाभि में भरना है, मतलब डालना है भर के। जी दीदी तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक। एक बार से अगर नहीं आता रिजल्ट तो दोबारा वापस डाल सकते हैं आधे 1 घंटे बाद, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बेस्ट है। मैंने अपने भाई पे भी अपनाया है और 1-2 जनों पे और अपनाया है, तो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा रहा इसका रिजल्ट। और सौंफ धनिये का भी दे सकते हैं, बाकी वो लौंग तो नहीं, लौंग तो गर्म हो जाएगा, मतलब उसमें उल्टी में ज्यादा काम आता है। ये बेस्ट है कि अदरक का रस डालो, और बहुत ही सरल उपाय है, और अभी तो बहुत आ रहा है इसका अनुभव भी, तो प्रैक्टिकल किया हुआ भी है 2-3 जनों पे भाई। वंदे मातरम आप सभी को। आज जो भी आप लोगों का रहा, आप लोग अपने अपने अनुभव शेयर किए, तो मैं मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि आप लोग व्यक्तिगत तौर पे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे, या हरजिंदर भाई के व्हाट्सएप पे, या दीपक भाई के व्हाट्सएप पे अपनी अपनी फोटोग्राफ्स, एक एक फोटो डाल दीजिए, ताकि हम उसका एक थंबनेल बनाएं और उस थंबनेल को आज की रिकॉर्डिंग के साथ यूट्यूब पे अपलोड करें। स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार काफी सारे लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा जिसे देख के, और लोग भी जागरूक होंगे इन सब चीजों के प्रति, जुड़ने का प्रयास भी करेंगे। तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, अगर कोई अपनी शक्ल ना देना चाहे तो अलग बात है,
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई एतराज होना चाहिए। ज्यादा दिक्कत हो अगर किसी को अपनी शक्ल से तो अपनी आगे घूंघट डाल ले, दुपट्टा डाल ले, ठीक है। किसी भाई को दिक्कत हो रही हो तो टोपी लगा के आगे टोपी नीचे तक झुका दे। काफी सारे तो अब जाके सर का दर्द ठीक हुआ। रविंद्र भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। 2 सेकंड वायर लगा है क्या? नहीं नहीं एक्चुअली क्या मैं वो चीज नहीं कर रहा था। मेरे एक्चुअली सर का दर्द थोड़ा सा कई सालों पे, साल में एक बार होता है तो सारी दवाइयां बेअसर हो जाती है। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं, मैंने मेरे पास 2 सेकंड वायल पड़ा हुआ है, सामने भी है, लेकिन उस मेरे ऊपर असर नहीं हुआ। अच्छा, तो ये एक बार नहीं कई बार देखा है, साल में एक बार कभी हो जाता है। और कुछ चीजें जब सर का दर्द होता है तो मैं अपने, मेरा सर का दर्द मेरे बाल नोचने से ठीक होता है। आप हैरान हो जाओगे सुन के, मतलब अपनी मैंने अपनी मतलब जोर जोर से मतलब बालों में अपने उंगलियों से डाल के बालों को मतलब मसाज किया। अच्छा, वंदे मातरम भैया, वो क्या होता है पॉइंट भी प्रेस होते हैं उससे, वो आपने एक्यूपेशन से आपको रिलीफ मिलता है, पॉइंट दबाओ आप भैया। हाँ वही किया अभी, मतलब कहना था बहुत ज्यादा पीछे ना ऐसा लग रहा था। कुछ चीजें होती है एक्चुअली क्या है ये सर का दर्द का कोई कारण है, कैसा कारण है, मतलब जब आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करना पड़ता है ना तो उसका जो प्रेशर जो बॉडी को मन मस्तिष्क को पड़ता है वो तो मुझे मालूम है कि वो मैं जब तक अपने आप को नोचूंगा नहीं तब तक वो सही नहीं होगा। मन की शांति जैसे कहते ना, मन की शांति वो था उसकी वजह से। ठीक है, हो जाएगा अभी थोड़ा सा, कोई बात नहीं भैया। हमें इतना हौसला आप देते हो तो आप, एक बार मुझे याद है आप कहते हो कि मेरे को आप सद्बुद्धि वाला आशीर्वाद दिया करो, तो हमारे ग्रुप से मतलब जितने भी सदस्य जुड़े हुए हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, धन्वंतरी से, कि आपका दर्द बहुत जल्द ठीक हो और आप स्वस्थ हो जाओ। नहीं, काफी काफी आप लोगों के आशीर्वाद से ही है कि इतनी शक्ति और शुरू से ही, और मैं खास करके दर्द को बर्दाश्त करके ही दर्द के बारे में सोच सकता हूँ और फिर उस दर्द के बारे में ही किसी की कल्पना करके उसकी मदद कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता तो उसको 2 मिनट में कोई दवाई या जो भी है, मुझे मालूम है कि मेरी जिस कारण से हुई है उसके लिए कौन सी होम्योपैथ की दवा मेडिसिन है, फिर मैं लेके उसको कम कर लेता। लेकिन मैंने कहा देखिए तो सही है किस हद तक जाता है, कहाँ खाना खाते वक्त खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, 4 रोटी खाने बैठा तो 2 रोटी खा के उठ गया, मतलब कहीं काम पे जाना था तो जबरदस्ती जाना बहुत जरूरी था तब सर दर्द में गया। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो इंसान कैसे करता है वो सारा, जब दर्द हम सह सकते हैं तभी दर्द के बारे में किसी की मदद कर सकते हैं दिल से कि उसको मतलब अगर मैं तुरंत दर्द को दूर कर लेता तो उस दर्द का एहसास नहीं होता कि होता दर्द कैसा है। भैया बहुत बढ़िया भैया, आपको देना हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाकी संभाल लेंगे 10 बजे तक, उसके बाद नहीं नहीं वो तो दूसरी हरजिंदर भैया भी आ गए तो आप रेस्ट करो कोई दिक्कत नहीं। हाँ रेस्ट करूंगा तो सर दर्द हो जाएगा। इधर काम में लगा हुआ हूँ ना, इधर फोन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा उससे कम हो जाता है, रिलैक्स महसूस होता है। चलो ठीक है भैया, फिर तो जुड़े रहो आप भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलो ऐसा बाकी सब बढ़िया आप लोग। भाई वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। हाँ आ गया वो तो वंदे मातरम भैया, ऑडियो आ गया। हाँ ऑडियो आ गया, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना इसलिए।
लिए। हाँ, वो मेरे को पूछ, मेरे को क्या नाम था, मैंने नाम तो भी सेव किया नहीं है, लेकिन मुझे मुझे अननोन नंबर था ना, अननोन नंबर था, अब जाके नाम सेव किया मैंने, ठीक है। हाँ, तो इसने मुझसे पूछा, भैया दिमाग बहुत वीक लगता है, कोई ड्राई फ्रूट लड्डू रेसिपी बताओ। तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने पहले लिखा था, इन्होंने लिखा बहुत भैया बहुत आराम है, ये दिन में कितनी बार करना, लौंग दालचीनी चाय कितनी बार करनी है, थैंक्स, दो तीन बार। हाँ। तो मैंने यहाँ पे वो भेजा था कि अनुभव बना के भेजो, ओके कल भेज दूंगी, ये बात थी कल। मैंने कहा आज हो गया, आज सवाल आ गया, लेकिन वो फीस नहीं आई। मैंने कहा रुको, मैं इसको भी क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। मैंने से उसे पूछा कि ये ना क्या करूं, कैसे ऑडियो बनाऊं या कैसे क्या करूं। मैंने कहा ऐसे ऐसे बना, और पहले है ना लिख पेपर पे, क्योंकि भैया एक्चुअल में वो क्या सीधी है थोड़ी मेरी, मैं लिखती मतलब उसमें वो तो कंफ्यूज हो रही थी, बोले क्या करूं। मैंने कहा ऐसे ऐसे बना, तेरे फायदा हुआ है ना, तो बोले हाँ। और भैया सच बता रही हूँ कि अभी उसकी हंसी आई, अभी मतलब थोड़ी देर पहले ही उससे मेरी बात हुई है, तो हंस हंस के बात कर रही थी। मैंने कहा ये कंटिन्यू रखना और भैया से संपर्क बनाए रखना, मतलब बनाए रहना संपर्क, तो तेरी अच्छा अच्छी हो जाएगी। अभी और तीन दिन पहले भाई उसने जो मुझे कॉल किया ना, मेरे को खुद को इतना ही लग रहा था कि ये इतनी परेशान हो गई है, मतलब इतनी बीमार थी ना वो, उसकी आवाज रो रो थी, खाली रो रही थी, बस बता ही नहीं पा रही थी। तो मुझे तो बहुत लगा, तो मैंने तो आपके ही नंबर दिए उसको, मैंने कहा बात कर ले भैया से पहले। तो वास्तव में आज उसकी स्थिति कैसी है भाई, तो मतलब बहुत खुश थी वो, अभी भी वॉक पे जा रही थी वो, तो मुझसे बात कर ली अभी 10 मिनट पहले। तो मैंने कहा ठीक है, बोले मैंने कहा फायदा तो हुआ है ना, बोले हाँ आज मैंने ऑडियो डाल दिया है, तो भैया के आ गया मेरे पास लड्डू भी कैसे बनाने। मैंने कहा हाँ, मांगते क्या है हमारे भैया, मांगते तो क्या, यही तो मांगते है कि आप अनुभव शेयर करो, और तो क्या है। और फिर उसी कड़ी में मैंने ऐसा बोला उसने, मेरी सिस्टर ने, तो फिर मैंने चीनी को फोन लगाया, मैंने कहा चीनी है ना, अगर तू नहीं देगी ना मेरे को आज या कल पे, तो देख लेती है ना मुझे भी वीडियो डाल के। और फिर बोले कि चीनी आज तो मैं खा रही हूँ, कल जरूर आपको आऊंगी मैं, आपके यहाँ बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मुझ पर ही प्रैक्टिकल कर लेना बस तू, लेकिन एक बार बता दू आप, नहीं तो भैया नाराज हो जाएंगे। तो बोले कि ठीक है, नहीं 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 नाराज नहीं होने देंगे अपन। मैंने कहा ठीक है, कल आके करना, तो वो कल कर, उसके कल पीछे पड़ जाऊंगी, तो करेंगे भैया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भैया, कि मेरी सिस्टर मतलब वो, उसको फायदा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। अब बहन का तो लगेगा ही लगेगा भैया, और बहन का क्या, मुझे आजकल तो सबका लगने लग गया है। मुझे तो ऐसा लगता है, फील होता है कि ये भी फायदे में, ये इसको भी बताएं, ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, यही कड़ी चल रही है आजकल तो। और आप तो है ही है भैया, मार्गदर्शन तो आप ही करते हैं सबसे बड़ा, तो आपका खूब खूब आभार भैया। धन्यवाद दीदी। कुछ नहीं है एक्चुअली, क्या उसको बीमारी कम डिप्रेशन ज्यादा है सही। हाँ। मामले में उसको उसको उसके 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 अगर गर, उसके मतलब उसके कंधे को ना कोई अपने गर्दन पे रख के उसकी सारी बातें सुनती रहे, तो उसको कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया बिल्कुल सही पहचाना है आपने, बिल्कुल सही बात करी है। थोड़ा सा बच्चों से डिप्रेस, मतलब बच्चे परेशान करते हैं ना, उससे डिप्रेस करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी थोड़े बहुत वो खा पी के, मतलब डाइट करके ना, वो अपना शरीर जो कमजोर कर ली, तो उससे थोड़ा सा उसको दिक्कत आ गई है। इसने क्या एक्चुअल में भैया है ना, इसको ये लग रहा था वो विष्णु का सुनी रख रखा है ना, जो सुनी रख रखा है, जैसे फ्रूट्स खाओ, ये खाओ, खाओ, तो ये ज्यादा वही उसी में ध्यान देती थी, इसने खाना कम कर दिया भैया। और इसको वजन का यूं लगता था, वजन कम करूं मतलब मैं मेंटेन रखूं अपने आप को, मेंटेन की बजाय वो और डिस्टर्ब हो गई, तो इसलिए उसको ये ज्यादा मतलब लॉस हुआ इसका शरीर का। उसमें रही कि मैं हेल्दी नहीं हो जाऊं, मैं वजन नहीं बढ़ जाए मेरा, ऐसे वैसे वही दिमाग मेरा, तो उसने खाना कम कर दिया था। एक बात ये थी, थोड़े टाइम ऐसे रखा ही रखा भैया, तो फिर अब मैंने डाटा पर मतलब दो तीन दिन पहले जैसे इसकी तबीयत खराब हुई, तो मैंने खूब डाटा उसे, खाना वाना खाया था कुछ नहीं है, सिर्फ पचना चाहिए खाना बस, आपका जो है सिद्धांत कि पचना चाहिए खाना बस, और सब खाओ भले, तो वो चीज मैंने उसको समझाई।
तो फिर अब सब खा रही है और अब ध्यान दे रही है बेटा इस चीज को छोड़ दे के ना तेरे कुछ है तेरे कुछ भी नहीं है तू बस सकारात्मक सोच रख सही है अब थोड़ा ठीक है अब वो किया अभी मैं देखता हूँ। स्वाति बहन की फोटो तो आ गई, अब देखते हैं और किसकी किसकी फोटो आती है। क्या बात भैया, मुझे तो भेजना ही नहीं आती है, कैसे भेजूं भैया? अरे सब आता है आज के टाइम में ना, भले नोट गिनना ना आए, मोबाइल चलाना सबको आता है। नहीं भैया सच बता, अब वो जमाना आ गया कि लोगों को नोट भले गिनना ना आए, जोड़ घटाओ भले ना आए, कि दो दो जोड़ तीन कितना होता है भले ना पता चले, लेकिन मोबाइल पे कैसे इंस्टाग्राम अपलोड करते हैं सबको आता है। नहीं भैया सच बता रहे हो, विश्वास रखो ना आपकी बहन। अरे व्हाट्सएप खोलो, वहाँ पे कैमरा दिखाई देता है, उसको क्लिक करो और उसमें अपना चेहरा नजर आए तो अच्छा दबा के बटन भेज दो, हो गया। नहीं तो कोई पुरानी फोटो कहीं शादी ब्याह की हो तो वही भेज दो। तो अच्छा सा भेजू ना भैया? हाँ हाँ अच्छा सा एकदम, कल मतलब इतना अच्छा नहीं कि कल पार्लर जाना पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं भैया। कहाँ था फोटो, कैसे फोटो दिखाई देगा भाई जी? बंदे मातरम, बंदे मातरम चला था मेरी घरवाली को, आपको मैंने बताया था 6-7 दिन पहले, वो अपेंडिक्स की सकती। थोड़ा तेज बोलना भैया। अपेंडिक्स का दर्द हुआ था, मैंने आपको बताया था, रिपोर्ट का शेयर की था। हाँ जी हाँ जी। अब क्या है वो 6 दिन से बिल्कुल दर्द वगैरह तो बंद नहीं हो रहा, एक्सपीरियंस वगैरह वो तो क्या अभी क्या हो रहा है? इनसे ही बात करता हूँ मैं आपकी। बात भैया आप म्यूट कर लो, फिर वो अब क्लियर रहेगी आपको। वंदे मातरम भाई जी, भाई जी आपकी हिंदी हुई डाइट हम फॉलो कर रहे हैं, गैस सी और उल्टी जी मचलाना और हल्का सा दर्द महसूस हो रहा, हवा पास नहीं हो रही। इतना ही और कुछ? इतना ही है। घर में भी लौंग है? हाँ हाँ। दालचीनी? हाँ। नमक? हाँ नमक। ऐसा है 3-4 लौंग ले लो और 3-4 चुटकी दालचीनी 1 कप पानी में उबालो, जब बढ़िया सा मतलब कूट के उबालना, जब वो आधा पौना कप रह जाए तो उसमें थोड़ा सा नमक मिलाओ और 5-6 बूंद नींबू मिलाओ और उसको पी लो हल्का गुनगुना। जी भाई ठीक है। लौंग दालचीनी नमक नींबू जी भाई जी, एक बार अभी पीना और एक बार रात को, मतलब अगर नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, ना नींद आए तो एक बार और पी लेना। जी भाई ठीक है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो हाँ जी, राम राम जी। किस चीज की दिक्कत थी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ जी आयुर्वेद
प्लेन वाली लेना भैया, गोल्ड वाली महंगा पड़ेगा। कोई हाँ तो कोई वाली पर, हाँ प्लेन वाली ही लेके आना। बताइए लीवर में पथरी है या पिताशय में पथरी है? कोई बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा उनकी उम्र वगैरह, मैं आपको कुछ होम्योपैथ की मेडिसिन लिख के भेज देता हूँ, आप उनको बोलना ये चालू करेंगे जरा। कोई बात नहीं, नहीं नहीं होगा, चिंता ना करें। ठीक है, राम राम। विष्णु भाई, आपने विष्णु भाई आपने तो लालू यादव को पीछे छोड़ दिया। हाँ जी दीदी, कोई ऐसा नहीं है भाई साहब, क्या है ना मेरा मैं भूल गई कि मुझे लालू यादव ने भी, लालू यादव भी अपने कंघी का खर्चा बचा रखा है, आपने भी कंघी का खर्चा बचा रखा है। सत्यजीत भाई, सत्यजीत भाई स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां, और हमारा पूरा प्रयास है कि बहुत ही जल्दी आपको जो आपका सपना है वो पूरा होगा। मतलब मैं जो अपना आता है ना दिवाली के बाद एक गोवर्धन पूजा, तो मेरा पूरा प्रयास है कि गोवर्धन पूजा इस बार आप और गौ माता के साथ आप करेंगे। जी 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 भाई, मैं एक बात कहना चाहता था, वो गाय की बात कर रहे थे, गाय देने के लिए कुछ कर रहे थे। हाँ जी भैया, गाय के लिए बोल रहे थे ना कुछ, जैसे 2000 रुपए का एक गाय, कुछ बोल रहे थे ना। हाँ जी हाँ जी, तो एक गाय के लिए भाई साहब 2100 रुपए मैं भी देना चाहता हूँ, अगर वो भाई को आप उपलब्ध कराए तो। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं भैया, मिलजुल के करेंगे। पहले एक्चुअली क्या है, कल मैं दीदी से ना बात करके उस गौशाले में बात करता हूँ जहाँ से वो दीदी को उतनी वो मिला था, और अगर वो हमें 5 गाय दे देते हैं तो 5 गाय भेजने का इंतजाम, जैसे जो गाड़ी में अपना सत्यजीत भाई आ जाएंगे बिहार से, साथ में उसके साथ चले जाएंगे गौ माता के साथ। हाँ तो जल्दी से इनके, ताकि अब आप, ये है कि हमारे एक अपने स्वस्थ समृद्ध परिवार के पास अपना अगर एक गौशाला जैसा हो जाएगा तो कम से कम भले खाने के लिए ना सही, दवा के रूप में तो शुद्ध चीजें मिल जाएगी। वो भी है, और फिर हमारी जो देसी गौ माता है वो नस्ल वो भी बचेगी। हाँ जी हाँ जी, भविष्य के लिए। नमस्ते, हेलो जी भैया। हाँ जी दीदी। अब भाई है ना, मैं भूल गई, अपने लिए कुछ पूछना था मुझे कि है ना, मेरे नाखून के साइड में उंगली पे है ना पक गया है भाई, है ना पस भर गया है थोड़ा, तो मैं गुनगुना घी लगा रही हूँ। हाँ हाँ गुनगुना घी लगाती रहो जी, मतलब हाँ गुनगुना घी लगाती रहो, बहुत अच्छा होता है इसके लिए तो। वो तो वो लगा रही हूँ भैया। भैया गुनगुना करके ही लगाना है या ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में भी लगा सकते हैं? नहीं नहीं, गुनगुना लगाने से मतलब घी का असर उस ऐसे घाव पे बहुत अच्छा होता है। आप कभी भी मतलब देखोगे, कब गुनगुना लगाओ
तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। किसी भी तरह का जख्म हो ना, जख्म भी कोई घाव अगर नहीं भी भर रहा हो तो जैसे भाई राजीव ऋषि जी कहते हैं लार लगाते रहो घाव भर जाता है, उसी तरीके से घी लगाते रहो तो घाव भर जाता है। और ऐसा कोई घाव जो नहीं भी पक रहा हो उस पर घी लगाते रहो तो पक के फट जाता है और फिर उसी घी को लगाने से जख्म भर भी जाता है। और अंगुल बेड़ा में तो बहुत अच्छा काम करता है, अंगुल बेड़ा जो हो गया बालतोड़ हो गया। और यहाँ ही नहीं मैम, तो ये मेरे ख्याल से क्या नाम है हांगकांग, हांगकांग में एक दीदी है उनके पति को हो गया था तो उन्होंने भी सिर्फ इसी चीज को, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे, यहाँ पे चलो और भी बहुत सारी चीजें हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आटा ले लिया, आटे या आटा नमक को घोल बना के गर्म करके और उसको लगा लो तो उससे भी जल्दी जख्म जो है वो पक के फट जाता है। भैया जैसे जख्म नहीं हुआ है लेकिन नाखून खराब हो रहा है साइड से। नहीं नाखून अगर खराब हो रहा हो तो अरंड तेल बहुत बढ़िया है, लेकिन नाखून के आसपास अगर घाव जख्म फुंसी या एक नछुआ टाइप का होता है उसके बगल की चमड़ी ना, जहाँ से नाखून शुरू होता है उसके बगल की चमड़ी हल्की सी ऊपर की तरफ हो जाती है, कई बार इतना चुभता है, इतना जलन और दर्द करता है। हाँ भैया वो पिछले साल मेरे को हुआ था पैर के नाखून में, शायद बार बार पानी पड़ने से होता है ना वो, उसको क्या बोलते किन्नरी वगैरह कुछ बोलते हैं, तो वैसा सा हुआ था, बड़ी चुभन होती थी, अपने आप हो गया, लेकिन वो क्या हुआ है नाखून साइड से सड़ गया है और उसमें ना बहुत चमड़ी जो है साइड की कड़ी कड़ी हो गई और हल्का सा मतलब जैसे गठान सी नहीं पड़ जाती है, टाइट हो जाती है चमड़ी, वैसा सा हो गया। तो आपने बताया था अरंड का तेल या फिर घी, तो फिर मैं घी लगा रही हूँ उसको, नॉर्मल ही गर्म नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे घी लगा रही हूँ, तो वो मतलब धीरे धीरे ना हील हो रहा है, मतलब वो जो हार्ड था ना वो थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, अभी 4-5 ही दिन हुए हैं करते हुए, तो वो नॉर्मली घी से ही हो जाएगा भैया क्या? हाँ हाँ हो जाएगा। ठीक है भैया। भैया आप थे नहीं आज, मैंने एक फीडबैक शेयर किया है वो अदरक का रस नाभि में डालने के लिए, सुन रहा था मैं मोशन में। अच्छा आप सुन रहे थे क्या? हाँ, बड़ा मतलब दूसरी कॉल चल रही थी जी जी, बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है भैया, वो तो तुरंत ही आराम दे देता है जी। जा भी खुश, साड़ी मांग लेना जीजा जी से ना, छोटी है बहन, छोटी है बहन, छोट देना पड़ता है भैया, ले नहीं सकते छोटे छोटे भाई बहनों से। कोई बात नहीं, दे ही दी हो, ज्ञान दी हो ना। दीदी हम तो ले रहे हैं भैया से, छोटे भैया है हमारे तो हम तो ले रहे हैं भैया से, वो लेने की ज्ञान ले सकते हैं ना दीदी, ज्ञान ले सकते हैं, गिफ्ट तो देने पड़ते हैं, वही ले रहे हैं तो और क्या, सबसे बड़ा ध्यान ही है, दान ध्यान का ही होता है। भैया साड़ी बोल रहे हैं ना तो उसके लिए मैं बता रही थी। हाँ हाँ छोटे से नहीं लिया जाता, हमारे यहाँ परंपरा है छोटे से नहीं लिया जाता। हाँ अच्छा भैया एक और चीज बोलते हैं, जैसे लूज मोशन हो तो चाय लो और जैसे आधा कप चाय हो उसमें आधा कप पानी डाल के पी लो तो उससे आराम होता है, ऐसा सही है क्या? हाँ चाय पत्ती की मतलब जो चाय की पत्ती है ना उसकी फंकी लेके पीने से ना पीछे से पानी पीने से आराम मिल जाता है, दूध में नींबू निचोड़ के पीने से आराम मिल जाता है, दही में इसबगोल मिला के खाने से आराम मिल जाता है, जीरा तो राजीव भाई बताते हैं जीरा भी बहुत अच्छा है, फिर हमने जीरा धनिया सौंफ तीनों मिला दो तो और बढ़िया काम करता है। और ये जो नाभि में अदरक का रस का, तो अगर इसी अदरक के रस को अगर चारों तरफ आंवले के पाउडर का घेरा बना के डाला जाए, मतलब ज्यादा मात्रा में, मतलब आंवले के पाउडर को गूंथ के आटे की लई की मतलब बना के उसको नाभि के चारों तरफ घेरा बना दो और उसमें जितना अदरक का रस डाल सकते हो डाल दो और जितनी देर वो लेट सकता है, मतलब ऐसा जो बंदा उठ नहीं रहा, मतलब बैठने का नाम ना ले रहा हो, जा रहा हो बाथरूम में ही बैठा रह रहा हो, उसको बोल भाई 5 मिनट उसकी टांग पकड़ के अगर करके अगर ये चीज अदरक का आंवले का पाउडर
चारों तरफ आंवले का पाउडर होना चाहिए। तो एक्चुअली मैंने एक किताब पढ़ी थी, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, ऐसे ही कोई था, या बिना दवा के उपचार, बिना दवा के उपचार। तो उसमें क्या था कि कोई भी दवा खाने पीने की चीजें नहीं थी उस किताब में, जो भी था प्रयोग बाहरी प्रयोग से था, चाहे वो दर्द हो, दस्त हो रहा हो, उल्टी हो रहा हो। उल्टी में भी उसमें था, मुझे ध्यान नहीं है कि उल्टी में क्या था, लेकिन कुछ चीजें थी, आंखों के रोग हो रहे हैं, आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखों की सिकाई कैसे करनी है, आंखों की मसाज कैसे करनी है, उस तरीके से आंखों की तकलीफें दूर कर, वो चीजें थी। आयुर्वेदिक औषधियों का ही था कि किस तरीके से। अब एक मेरे पास किताब पढ़ी थी जो मैं पीछे पढ़ रहा था, लहसुन बादशाह करके, इस किताब में एक जगह लिखा था कि जब इंसान लहसुन के रस से अपनी पैर के तलवों की मसाज करे और उसके पूरे शरीर में जिस दिन लहसुन की बदबू आने लग जाए तो वो निरोगी हो जाएगा, उसको कोई रोग हो ही नहीं सकता। मतलब आपको लहसुन के रस से तलवों की मसाज करनी है। देखो आप ऊपर की स्किन, पतली स्किन पे कहीं भी मसाज करो, हो सकता है बहुत जल्दी आपकी बॉडी में वहां पे गंध आनी शुरू हो जाए, अगल बगल भी गंध बढ़ जाए, लेकिन पैर के तलवे जो होते हैं, हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे, ये दोनों ऐसे होते हैं कि इनके अंदर से किसी चीज को अंदर पहुंचाना वो अपने आप में बहुत मशक्कत का काम है। तो इस कदर मसाज करना, इसी तरीके से डायबिटीज के लिए कहा जाता है कि अगर आप करेले के पत्ते या करेले लेके उसको बारीक टुकड़े करके उसको पैर से इतना धंगचो, इतना मसलो कि मुंह कड़वा हो जाए, जिस दिन आपका मुंह कड़वा हो गया तब समझ जाओ कि आप अपनी दवा, डायबिटीज की दवा छोड़ सकते हो, अगर दवा ले रहे हो तो, और नहीं ले रहे हो तो आपको दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो हमारे एक विवेक जैन है मध्य प्रदेश से, उन्होंने अपनी बहू रानी, मतलब उनके छोटे भाई की वाइफ थी, उनकी डायबिटीज 350 आया खाली पेट, तो इस प्रयोग को उन्होंने करके सिद्ध कर दिया कि वाकई डायबिटीज मुक्त हो सकते हैं करेले को मसाज करने से। तो वो एक एक घंटे तक मसाज करती थी करेले के पत्ते, कभी पत्ते मिल गए तो पत्ते, नहीं तो कभी जब करेले सस्ते होते थे तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करके 1-1.5 किलो और एक पतीले में डाल के उस पे पैर से खूब मसाज करती थी। तो उसने कहा कि 15 दिन उसको लगे थे मुंह कड़वा होने में, 15 दिन उसने लगातार 1-1.5 घंटे तक करी तो उसका मुंह कड़वा हो गया और जो शुगर लेवल था वो नॉर्मल हो गया। और आज इस बात को भी लगभग 1 साल से ऊपर होने वाला है, वो कोई भी दवा नहीं लेती डायबिटीज की। उम्र है 35 साल, मतलब 35-35 ऐसे ही 30-35 के बीच में, क्योंकि 2.5 साल का एक बच्चा है तो नेचुरल सी बात है कि इससे ज्यादा नहीं होगा, मुझे ध्यान नहीं है। विवेक जैन मध्य प्रदेश से हैं, तो उन्होंने मतलब इस प्रयोग को सिद्ध कर दिया कि प्रयोग वाकई कारगर है। भैया अच्छा एक जानकार है, उनके पिताजी को मतलब पैरालिसिस का अटैक आया है, तो कुछ अपने पास उपाय है अपन बता सके? 4 दिन हो गया, वो तो उनको मालूम नहीं था, मुझे भी आज पता चला तो लेकर गए नागपुर, तो मैंने बोला ठीक है मैं पूछ के बताऊंगी, तो कुछ है अपने पास नुस्खा की अपन दे सकते? तुम कहाँ रहती हो जो नागपुर तुम्हारे पास है, तुम उड़ीसा में नहीं हो? नहीं मैं नागपुर वो लेकर गए हैं, उनको मालूम नहीं था ना कि आप कहाँ रहती हो। मैं आपकी आपका पूछ रहा हूँ, कटनी मध्य प्रदेश रहती हूँ। अभी तो मैं कटनी से होके आया हूँ, मतलब ट्रेन होके आई है। हाँ ट्रेन यहाँ से निकलती है ना बिलासपुर वाली, भैया बिलासपुर में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मासी रहती है, बिलासपुर में नहीं रहती वो, एक्चुअली रहती है बिलासपुर से थोड़ा दूर है। कितनी उम्र कितनी है जिनको लकवा आया है? 70 साल होगी ऐसा है। मैं कुछ चीजें आपको लिख के ही भेज देता हूँ, एक ग्रुप में ही डाल देता हूँ, उसमें से आप देखना। होम्योपैथ की मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। घर की चीजें अभी तो हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में तो देने देगा नहीं, या दे सकते हैं तो लहसुन का दूध बना के पिलाइए, या कुछ ना मिल रहा हो तो उनको किलौंजी का तेल बोलो, किलौंजी का तेल ले लें और आधा चम्मच किलौंजी का तेल 1 कप पानी, 1 कप गुनगुने पानी में मिला के चाय की तरह पिला दो। ये जो है आसानी से कर सकते हैं अगर पीने की स्थिति में है तो। अब कितना आया है उसके ऊपर,
आधा कप कलौंजी, आधा कप पानी या दूध में कितना कलौंजी डालना भैया? आधा चम्मच कलौंजी का तेल, आधा चम्मच मतलब 30-40 बूंद। और लहसुन और दूध का कैसे करना है भैया? वो जैसे 2-3 कली लहसुन ले, 1 कप दूध और 1 कप पानी में कूट के इतना उबाले कि आधा कप रह जाए, और छान के या बिना छाने उनको पिला दो। मतलब लहसुन खा भी सकते हैं, ऐसा भी है क्या? हाँ हाँ लहसुन खा भी सकते हैं। ठीक है भैया, आप एक बार बाकी जैसे दवाई है होम्योपैथी तो वो भी दे देंगे तो फिर मैं उनको शेयर कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे अभी ना अभी ग्रुप में मैंने भेज दिया है। ठीक है ठीक, बाकी कुछ दवाइयाँ आगे पीछे हो सकती है लेकिन ये प्रारंभिक स्थिति के लिए बहुत अच्छी होती है। बाकी उनके जैसे जिस तरीके का है, आवाज का आवाज में ज्यादा है या गले में ज्यादा है, तो उसके हिसाब से 1-2 दवाई आगे पीछे बाद में किया जा सकता है कभी भी, लेकिन इससे तुरंत आराम मिल जाता है। लगभग काफी अच्छे परिणाम इसके मिले हैं अभी तक। आप खुद भी वहाँ पे जाके लकवा वाला सेक्शन है उस वाले की ऑडियो क्लिप उनके प्ले लिस्ट उनको भेज दो, तो उससे थोड़ा तो उनका विश्वास बढ़ेगा कि किस तरीके से लहसुन का दूध पी के उनका लकवा ठीक हो गया, तो थोड़ा सा विश्वास बढ़ता है। ठीक है भैया, मैं शेयर कर दूंगा। बाकी मैंने ग्रुप में भी डाल दिया, इसी ग्रुप में ही डाल दिया चैनल में। जी भैया मिल गया। अभी मैं आपको आज की कुछ फीडबैक डाले थे उस पे। ये मैंने एक आप लोगों को ऐसे नहीं दिखाई देगा, मेरे ख्याल से कैसे दिखाई देगा, और सबसे दिखाई देगा 23 अगस्त 2017। रजिंदर भैया, रजिंदर भैया है क्या? रजिंदर भैया मेरे हिसाब से हरजिंदर भैया बिजी है। हाँ मैं आपको ये जैसे भी दिखा रहा हूँ आपको, आप लोगों को ये चैट में ये दिख रहा है? जी भैया दिख रहा है। क्या पढ़ने में भी आ रहा है या पढ़ के बताऊं? नहीं पढ़ने में आ रहा भैया, ये मैं बता देता हूँ। फिटकड़ी भस्म खांड या मिश्री के सेवन से बुखार खांसी गले में दर्द गला बैठना। मतलब ये कलकत्ता से एक दीदी हैं कुसुम अग्रवाल, इनको बुखार भी था, गले में दर्द भी हो रही थी, खांसी भी हो रहा था और गले से आवाज नहीं निकल रही थी, तो सिर्फ फिटकरी और मतलब खांड मतलब मिला के उन्होंने 3-4 बार 5 बार लिया, तो ये लगभग ये था। मैं कलकत्ता से कुसुम गोविंद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को 102 फीवर और बहुत खांसी हुआ, भैया का बताया हुआ ये उपाय 2 दिन में फीवर और खांसी ठीक हो गया, लेकिन जब उनका फोन आया था तो उनके गले में दर्द और गला बैठा हुआ भी था। तो फिटकरी से भी बुखार उतरता है, मैं ये आपको दिखाना। ये ये 30 हजारी कोर्ट में है,
भैया जी प्रणाम। भैया जी, नीम के पानी से सफाई करने पर और हल्दी और घी मिलाकर गुनगुना करके लेप लगाने से मात्र 2 दिनों में जो फुंसी निकली थी, इन्फेक्शन था, वो ठीक हो गया। ठीक है, कब्जियत के लिए ये रक्ता सिर आपने सुना है, ये सामान्य प्रसव ये हमारे सुरेश भाई जी हैं जिन्होंने सूरत में शिविर कराया था क्रिकेट के मैदान में स्वदेशी चिकित्सा का। हार्ट का ईसीजी कराया था, नॉर्मल है। पीठ में तकरीबन 1 से 3 महीने से दर्द है, शायद कोई नस दब रही हो। होम्योपैथ की मेडिसिन ये 17 सितंबर की डेट है, ठीक है। होम्योपैथ की हाइपेरिकम रस्टक्स कोलोसिन काल्मिया रूटा 2-2 बूंद हर 4 घंटे पे 3 से 7 दिन 18 सितंबर को। 17 सितंबर की बात है, 18 सितंबर को वंदे मातरम भाई जी, माता जी को अभी 100% आराम है। ठीक है, ये फोटोग्राफ्स मुझे ना, मैं अपने गूगल पे जो फोटो सेव होती है तो उस गूगल के फोल्डर को एक दिन देख रहा था, तो ये 23 अगस्त 2017 की फोटो थी, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें ये मुनक्का है, दूध है, काली मिर्च है, बादाम का पाउडर है, जो हम 2017 कमजोरी, चक्कर, सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द को दूर करने हेतु सरल घरेलू नाश्ता सुबह एवं शाम कुछ दिन जरूर सेवन करें। 1/2 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच बादाम का पाउडर को 1 चम्मच घी में हल्का भून के 7-8 किशमिश या मुनक्के एवं इच्छा अनुसार दूध एवं 2 छोटी इलायची का चूर्ण मिला के 5-10 मिनट उबालकर मिश्री गुड़ मिलाकर खाएं एवं पिए सुबह शाम। बदन में अत्यधिक दर्द हो, वेदना हो तो सौंठ का चूर्ण जरूर मिलाएं। अगस्त 2017 में इसका उपयोग अपने लिए किया था, जो आज ना जाने हजारों परिवार देश विदेश में इससे स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। मतलब ये इतना अद्भुत नाश्ता है, और ये 2020 में जब अपना कोरोना की महामारी आई और बहुत सारे, चाहे वो इंग्लैंड में हो या अमेरिका में, ना जाने कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हुआ। तो कई बार होता है ना कि कमजोरी आ गई बुखार के बाद, उसमें बहुत अच्छा काम किया। तो एक दिन ऐसे देख रहा था तो मुझे फोटो याद आया, मैं कहा 2017 में तो हमने घर में खाया था। ये आयुर्वेद की एक औषधि का है अनुभव। भैया जी, मेरी पत्नी को पीरियड मासिक धर्म आने से पहले कमर और पेटों में दर्द होने लगता है बहुत तेज, और पीरियड में भी होता है और रेगुलर नहीं आता है, आगे पीछे आता है, इसका उपाय बताएं। आयुर्वेद की नष्ट पुष्पांतक रस की 2 गोली सुबह शाम अशोका रिष्ट के 5 चम्मच आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर। ठीक है, 14 सितंबर की बात है, मासिक धर्म भी आ गया था और मतलब दर्द में भी आराम मिल गया। जैसे कहते हैं दांतों को बेदाग बनाना, ये हैं नीलम दीदी हैं नोएडा से। भैया, मेरे फ्रंट टूथ पे ब्लैक मार्क आ गया था, आपसे पूछकर आपने लेमन लगाने को बोला, अभी मार्क बहुत लाइट हो गया है। ये बहन दुबई की हैं, ये बच्चे को ना मच्छर काटने के बाद आंखों के पास इतना सूजन हो गया था, तो शहद लगाया, और सिर्फ शहद ही लगाया उससे ठीक हो गया। नीम का तेल तो लगाकर सुलाने के लिए बोला था, क्योंकि नीम का तेल लगा के सुलाने से ना मच्छर कम काटते हैं। ये है श्रीकांत दादा हैं, शायद उड़ीसा के होंगे। गोविंद भाई, राइट पैर में चलते वक्त जड़ जा रहा है, घुटने के नीचे पटोरी में जड़ जाता है, उम्र 30 साल, कोई दवा बताइए। ये इन्होंने निशान लगा के भेजा था। भरपूर मालिश एवं सिकाई करें, साथ में हल्दी मेथी सोंठ को चाय की पत्ती की तरह उपयोग करके पिए दिन में 3-4 बार। क्या हाल है इसका, एकदम ठीक हो गया। ठीक है, ये अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो ये निशान है, और ये निशान आपके सामने स्क्रीन पे। ये भैया जी प्रणाम, धर्मपत्नी 64 वर्ष की है, करीब 9-10 महीने से परेशान है, इसमें खुजली चलती है, वर्तमान में होम्योपैथिक इलाज चल रहा है पर आशा अनुरूप सफलता नहीं है। ठीक है, तो
ये 11 अगस्त का मैं भैया जी प्रणाम। आज 10 दिन हुए, बहुत आराम है, खुजली मचना बंद हो गई, काली दाग भी हल्की हुई। ये जो हमारा नया मासिक धर्म लाने वाला जो फार्मूला हमें मिला है, इसका एक दूसरे का और भाई ने प्रयोग किया। 15 सितंबर को मेरी धर्म पत्नी कुत्ती आज 3 महीने से मासिक नहीं आ रहा है और पेट के नीचे वाला हिस्सा बहुत दर्द कर रहा है, तो मासिक आ जाए ऐसा इलाज बताएं। और इन्होंने ले के आए 15 सितंबर को, ये मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले की बात है, इनका मैसेज आया था, भैया ये औषधि 3 बार ली और मासिक शुरू हो गया। तो आप लोग इस मतलब अनुभव को याद रख सकते हैं, किसी बहन भाई बहन की मतलब बहनों की मदद कर सकते हैं। इसके बारे में तो कल आप लोगों को जानकारी मिली गई थी, ललिता बहन अपना दी थी और कल हमने दिखाया भी था। एक महिला 5 महीने की गर्भवती है और कुछ दिनों से कमजोरी और शरीर में दर्द रहता है, बुखार भी है। भीगे मुनक्के खिलाएं सुबह शाम, तुलसी छोटी इलायची का काढ़ा दें। ये बिल्कुल ठीक है। ये एक अनुभव है, अंकल जी नमस्कार, मुझे थाई से लेकर एंकल तक हद से ज्यादा खुजली होती है, 1 महीना चला, मैंने फाड़ लिया, बिल्कुल निशान हो गए थे पैर पे, जो आपने उपाय बताए वो मैं लेकर आई और मैंने सब लगाया, भीम सैनी कपूर अजवाइन सत पुदीना सत गंधक, मुझे अब बिल्कुल खुजली करने की इच्छा नहीं होती, निशान भी थोड़े लाइट हो रहे हैं। ये भी कुछ चीजें अनुभव है। ये आप देखिए यहाँ पे है कि 4-5 दिन हो गए मेरे पेट में कीड़े हो गए थे, मैंने आयुर्वेद की विद्यांगवसव दिया, तब से शौच में कीड़े तो नहीं आए लेकिन पेट में गड़बड़ हो रही है, ना भूख लग रही है ना ही खाना पच रहा है, पेट दर्द और गैस भी हो रही है, पेट खुलकर साफ नहीं हो रहा है, अजवाइन गुड़ खाएं दिन में 3 बार, पेट दर्द एवं गैस प्रॉब्लम पूरी तरह से बंद हो गई। आप सभी से विनती है कि इस दिवाली पे इस तरीके के दिए जलाएं, ये दिए वो दिए हैं जो जलने के बाद ये बने हुए हैं, वो खाद का काम करेगा आपके अपने पौधों में। अगर इन्हें भी मंगाना हो तो ये दीदी का नंबर है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये प्लेटलेट थी 40,000 जो कि 2-3 दिनों में ही 1,28,000 हो गया था। ये हमारे सुमित भाई हैं, उनका बेटा जो 22 तारीख को 2 साल का होगा, ये अपना स्वस्थ समृद्ध परिवार का बैज लगा के सबसे छोटा सदस्य, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह हमारा विचार है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार बैज निर्माण क्रांति चिकित्सा क्रांति एक विचार है जिसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि हर भाई बहन का परिवार स्वस्थ और समृद्ध हो। और रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है जो आपके परिवार को सदैव स्वस्थ समृद्ध बनाए रखेगा। ये संदेश ये शायद होम्योपैथ का अद्भुत चमत्कार नशा मुक्ति और फुरासी अन्य चर्म रोग में 2 माह के बच्चों के लिए सुरक्षित चिकित्सा पैथी कौन सी, तो होम्योपैथ, ये उसका एक फीडबैक है। ये आपके निर्देशानुसार राष्ट्रीय छठी का सेवन 1 सप्ताह से कर रहा हूँ, शाम 4 बजे के बाद इसी तरह का चकत्ता निकल जा रहा है, खुजली होती है, कृपया निर्देश दिया जाए। चिंता न करें, सरसों तेल प्याज का रस मिलाकर बार बार लगाएं, दवा नियमित रखें, साथ में आर्सेनिक गल और लाइकोपोडियम लेकर आएं और SBL की लिप्टी सिरप। तो इनका चाचा जी का भी अनुभव आ गया, ये 72 साल के हैं
मेरे पास शब्द नहीं है जिससे आभार प्रकट करूं। 72 साल की उम्र में पैर के दर्द से छुटकारा मिला, शरीर में जो लाल चकत्ता निकल रहा था दवा खाने के बाद पिछले 1 सप्ताह से नहीं निकल रहा है। ये एक अदरना बहन है, पेन किलर टेबलेट का इतना असर नहीं हो नहीं जितना उबलते पानी में घी डालकर पीने से हुआ। मासिक धर्म के असहनीय दर्द में नहीं जरूरत पड़ती है अप्राकृतिक दवाओं की, गर्म पानी में घी मिलाकर पीने से। एक अनुभव है, 1 वर्ष पहले दाएं अंडकोश वृद्धि में असहनीय दर्द हुआ था, तब मैं 14-15 घंटे कुर्सी पर बैठकर अध्ययन करता था, तो क्या यही कारण है? इस वर्ष भी 2 महीने से बैठक शुरू हो गई और ये तकलीफ फिर से हो गई। गत वर्ष का इलाज अनेक दवाइयां खाने पर भी फायदा नहीं हुआ। तब एक बुजुर्ग ने पेट की नस पकड़कर उपचार किया जिससे दर्द समाप्त हो गया और वृद्धि भी 90% समाप्त हो गई, लेकिन 90% सूजन रह गई। इस वर्ष 1 महीने से मुझे तकलीफ है और 20 दिनों से मैं आम के पत्तों की चटनी बनाकर उसमें 10 ग्राम काला नमक मिला के तवे पे गर्म करके लगा रहा हूँ जिससे दर्द संभवतः समाप्त हो गया, लेकिन उसका आकार पूर्णतः प्राकृतिक नहीं हो रहा है। जब सिकुड़ता है तब दबाएं या दाएं चढ़ जाता है। 20 दिन से उपाय कर रहा हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। भाई जी, निम्नलिखित दवा लेते हुए 3 दिन हुए और 30% लाभ है, और ऐसे बताऊं इनका बाद में फोन आ गया था, अब वो पूरी तरह से ठीक है। इस उपचार में 20 से 50 मिलीलीटर सोंठ का काढ़ा, जैसे 2/4 चम्मच से लेके 2 चम्मच तक का सोंठ 100 ml से 30 ml पानी में मिला के उबालना होता है, और भी मतलब तकरीबन 1/4 हिस्सा रहने तक, 1/5 हिस्सा रहने तक छान के इसमें 1/2 चम्मच अरंड का तेल मिलाकर सुबह शाम पीते हैं, और अरंड के पत्तों को पानी में पीस के बांधने से अंडकोश की वृद्धि में अद्भुत लाभ मिलता है। ऐसे ना जाने कितने हजारों की संख्या में बाएं स्तन निप्पल दूध पीने के कारण कट गया है, पिलाने में बहुत दर्द होता है। भाई जी शहद लगाएं, अभी पूर्ण रूप से 100% आराम है स्तन में, प्रतिदिन शहद लगा लेती है, अभी भी दिन में दो ही दिन में आराम मिलना शुरू हो गया था। ये किसी बहन का है, चेहरा दरदरा रुखड़ापन था, तो नारियल तेल में भीमसेनी कपूर मिला के लगाने से 2 ही दिन में उनकी रेडनेस चली गई थी। सोलह साल के लड़के को कमर से पैर के नसों में दर्द और फटने जैसा दर्द रह रहा है, क्या उसे चोक चीनी दे सकते हैं? चोक चीनी इसमें छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए था, इसलिए मैंने होम्योपैथ की दवाई लिख के भेजा और घर की चीजें। जब उन्होंने घरेलू किया तो आराम नहीं मिला, लेकिन होम्योपैथ जब साथ में दिए, जब बोला कि होम्योपैथ साथ में दो, तो उन्हें उस बच्चे को आराम मिल गया। अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पढ़ने में शायद आ रहा है नहीं आ रहा है, शेरनी बेटी मुस्कान दलाल ये शायद बहादुरगढ़ की है, मतलब बहादुरगढ़ की है गुड़िया। ये इसने वैक्सीन नहीं लगाया था और वैक्सीन ना लगाने के लिए और अपनी कई सारी दोस्तों को भी प्रेरित किया, और मात्र 12 साल की है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम शेरनी बेटी रखा था। इसने शेरनी जैसा काम करी, इसकी क्या समस्या आई है, कुछ मैसेज आए हुए हैं जरा देखें। गोविंद भाई, ये घुटनों के दर्द का क्या इलाज है? घुटनों में खट खट की भी आवाज आती हो? गुड़िया मैं 10-15 मिनट बाद फोन करता हूँ आपको, 10-15 मिनट ठीक है।
को घुटने दर्द का इलाज चाहिए भेज देंगे, कोई बात नहीं। आज के सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। जी भैया शुभ रात्रि, वंदे मातरम। और आप लोगों को हाँ हाँ भैया, आंख में ना खुजली हो रही है अंदर पुतली में, तो क्या करें उसके लिए? आंख में खुजली हो रही है तो एक तो छोटा अभी क्या है, घर में धनिया है। चलो आप वो छोड़ो, धनिया आप हाँ। आलू है? आलू हाँ भैया है। चलो आज आलू का कमाल देखो, ठीक है? सबसे पहले तो रुमाल को या दुपट्टे को, जो सूती कपड़े का हो, उससे मुंह की भाप से गर्म करके सिकाई करो कम से कम 2-4 मिनट लगातार। उसके बाद आलू को जैसे पार्लर वाले नहीं, वो आपने देखा होगा कई बार फोटो देखा होगा, खीरे को काट के आंख पे लगाते हैं और बाकी फेस पे फेस पैक लगा रखे होते, बंदा वो खीरा ही खा जाता है। तो खीरा लगवाऊंगा तो खा जाओगी, उससे अच्छा है कि आलू काट के आंखों पे आलू को ढक लो, आलू से ढक लो आंखें, मतलब आलू काट के स्लाइड रख के थोड़ा सा बांध लो, सिकाई करके फिर ये काम कर लो, खुजली खत्म हो जाएगी। अगर अभी अभी हो रहा है तो अंदर अगर है अरे तो कोई बात नहीं, अंदर खुजली है तो क्या हो गया, अंदर 2-3 दिन से हो रही है तो कोई बात नहीं। अभी रात को अभी त्रिफला है घर में? त्रिफला है, त्रिफला है, धनिया है, धनिया है, धनिया है भैया। त्रिफला में तो हरड़ बहेड़ा आंवला डलता है ना? हाँ धनिया है ना घर में? तो हाँ हाँ धनिया है। 2 चम्मच धनिया 2 कप पानी में रात को भिगो दो, ठीक है? सुबह उसको अच्छे से मसल के छान के उस पानी से आंखों को धोना, उस पानी की 2-4-5 बूंद डालना। अभी फिलहाल आंखों की सिकाई कर लो, और सिकाई करने के बाद आलू की पट्टी या आलू का कुच्चा, मतलब खूब अच्छे से आलू को पीस के, कच्चे आलू को पीस के उसको आंखों पर लगा के पूरा भर के रुमाल बांध लो। मतलब आलू को, कच्चे आलू को मैश जैसा करके और फिर कच्चे मैश तो करके भी कर सकती हो, स्लाइस मतलब उसकी पतली सी स्लाइड काट के, जैसे करके लगा लिया तो कद्दूकस करके भी रख लगा सकते हो, और खीरे की तरह भी बांध सकती हो। ठीक है, इस सत्र को आज समाप्त यहीं करते हैं, कल फिर मिलते हैं। बंदे मातरम जी। गोविंद भाई टाइफाइड हो गया, इसके लिए क्या उपचार करना चाहिए? टाइफाइड हो गया, गुनगुना पानी पीजिए, गुनगुना उबला हुआ पानी पीजिए, उबला हुआ मुनक्के लेके आए, और एक खूब कला की औषधि आती है, खूब कला लेके आओ, मुनक्के के बीज निकाल के उसमें 1-2 चुटकी खूब कला डाल के तवे पे गर्म करके हर 2-3 घंटे बाद 5-6 मुनक्के खाएं, और उबला हुआ पानी पिए, उबाल के रखा हुआ पानी पिए। ये मुनक्का और ये अंजीर कितना लेना है भाई? अंजीर अंजीर नहीं बोला भैया, मुनक्का और खूब कला बोला हूँ। अच्छा अच्छा, तो कितना मुनक्का लेना पड़ेगा और 1 चुटकी अंजीर? 5-6 मुनक्के ले लो, उसमें 1-1 चुटकी खूब कला भर के तवे पे गर्म करके हर 4 घंटे में 5-6 मुनक्के खाओ, हल्का गर्म करके, और उबला हुआ पानी, उबाल के रखा हुआ ही पानी पीजिए। मिर्च मसाले भारी भोजन मत करिए, मूंग की दाल की बनी हुई खिचड़ी खाओ जल्दी। ये टाइफाइड आंतों का ज्वर होता है, आंतों पे भार जितना कम पड़ेगा जल्दी ठीक होगा। भैया जब तक ठीक नहीं होते तब तक कर लो, क्या हो गया, कौन सी ताकत की चीज है, 2 महीने भी कर लोगे तो कोई दिक्कत है? भाई खाने पीने की चीजें है ना, कोई दवाई थोड़ी है। देखो अगर आपने 10 दिन किया ठीक हो गए तो 10 दिन और फालतू कर लो, इसमें क्या दिक्कत है?
भैया मुनक्के के बीज खाने चाहिए ऐसे जैसे नहीं, भिगा के नहीं, मुनक्का नहीं, नहीं, खाते नहीं, हैं कॉन्स्टिपेशन में भी यूज होता है। नहीं नहीं बीज नहीं, बीज हटा कर ही खाना चाहिए क्या? हमेशा हटा के खाना चाहिए, और गलती से दो चार बीज खा भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। गोविंद भाई इसको पीस के नहीं ले सकते हैं मुनक्का और खूब कला को सिल्वर? क्या हो गया दांत नहीं है क्या भाई? जी भाई दांत तो है लेकिन देना है कि भाई भी किसको देना है? एक भाई है उनको ही 30 साल उम्र। कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है, मतलब इतना भी आलसी मत बनो कि सामने वाला फिर मतलब घरेलू की इज्जत की धज्जियां ही उड़ा दे। मैं मुनक्के खाने के लिए भी मतलब उसको पीस के देने की जरूरत पड़ेगा? कोई दूध पीता बच्चा है? इंजेक्शन की गोलियां ठुकवा मतलब गोलियां खाने के निकलने को तैयार हो जाएंगे? जी जी अंग्रेजी दवा शुरू कर दी है। ठीक है करने दो उन्हें, जो नाम आने ना ज्यादा वो करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो उन लोगों के साथ मिलके काम करना है जिनकी वजह से हमें अनुभव मिले और उस अनुभवों के आधार पे हमारा भी विश्वास बढ़े और समाज का भी विश्वास बढ़े। मैं आप लोगों को खुले मंच पे बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों को जवाब देना मतलब बहुत ही ज्यादा बंद कर दिया और बहुत इमरजेंसी जैसा होता है तभी जाके जवाब दे देता हूँ, लेकिन साथ में टैग कर देता हूँ कि भैया अगली बार से आप ध्यान रखिएगा, अगर समाज के लिए आपके पास अगर समय नहीं है तो मेरे पास भी समय नहीं है, क्योंकि मैं चिकित्सा करने के लिए नहीं बैठा और ना ही मैं कोई चिकित्सक हूँ ना ही कोई वैद्य हूँ। मैं कभी किसी को कहता ही नहीं कि मैं चिकित्सा करता हूँ। मुझे समाज में जागरूकता लानी है, उस जागरूकता के लिए अनुभव का होना जरूरी है, तो मैं तो उन्हीं लोगों के साथ काम करूंगा ना जो काम करेंगे, जो मानेंगे करेंगे, जो नहीं करेंगे मत करें। आज भी मेरे पास फोन आया, भैया मेरे एक हैं बहुत अच्छे, उनकी कोमा में वाइफ चली गई है। मैंने कहा भैया करना है तो बात करो, नहीं करेंगे तो बात मत करो, करेंगे तो उनको बोलो फोन करने के लिए, अपने आप उनको लगेगा कि हाँ करेंगे। भाई जब फोन ही नहीं आया इसका मतलब नहीं करना, तो मैं अपना भी समय क्यों खराब करूं? मैं तो उन लोगों के साथ मिलके काम करूं जिसकी वजह से हम कुछ समाज में जागरूकता का काम कर सके। कोई अपना हमारे घर का बच्चा बेटा नहीं है कि चार थप्पड़ मार के भी चल भाई खा ले जल्दी खा ठीक हो जाएगा। तो मैं तो खुले मंच पे बोल रहा हूँ कि मैं उन लोगों को जवाब देना या उन लोगों की मतलब भाईचारा भी निभाना, मतलब भाईचारे जैसा माहौल भी, मतलब आते मेरे पास कई, आज भी एक आए तिलक नगर के हैं कोई, मतलब उन्हें मैंने पिछले 2 महीने में कम से कम 10 उपचार बताया और एक भी फीडबैक नहीं दिया, और आज भी एक सवाल आया हुआ था मैं इग्नोर कर दिया। मैंने कहा क्या जरूरत है ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करने का? मुझे समाज में रसोई घर को और दूसरी ऐसी पैथियां जिनकी वजह से चिकित्सा खर्च कम हो उनका मुझे बढ़ावा देना है, तो मैं उन लोगों के साथ मिलके काम करूंगा। मैं ठीक है कई बार क्या आता है कि बहुतों को जवाब दे भी देता हूँ, इसलिए कि कुछ समस्याएं ऐसी होती है छोटे बच्चे की होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है आपातकालीन या जो भी होता है, तो हम उनको बता देते हैं ठीक है ये कर लो, लेकिन मन में दुख रहता है कि अपनी बारी सिर्फ अपना 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 याद आता है। समाज के लिए मतलब 4 शब्द 2 मिनट ऐसे भाषण देना हो ना किसी चीज पे तो 2-2 घंटे तक लगे रहेंगे बोलने पे, और समाज में कुछ बात सच बात बोलने में भी इन लोगों को मतलब पता नहीं क्या नानी मरती है, भगवान ही मालिक है। जी भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, लोग नहीं देते फीडबैक तो ये तो समस्या है। फीडबैक से देखो सबसे बड़ी बात है फीडबैक से क्या होता है, एक तो अगर नहीं ठीक हुआ तब भी हमारे लिए फायदेमंद है कि हमें पता चल गया कि इस शरीर पे इसको ये चीज नहीं हुई है, अगर वो करने हैं तो 2-4 चीजें कर सकता है तो ठीक है, तो हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा अगर नहीं ठीक हुआ तो। और दूसरा अगर वो हर बार पूछता है और करता ही नहीं है तो फिर अगली बार से हम अपना समय भी बचा सकते हैं ऐसे लोगों के साथ। हम पूरे दिन में अगर फोन पे बात करके या व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई करके भी ज्यादा से ज्यादा 200 या 250 लोगों का ही रिप्लाई दे सकते हैं, तो जब हमारी क्षमता ही 200-250 लोगों की है तो क्यों ना हम 200-250 उन लोगों की मदद करें जो हमें 200-250 में कम से कम 50-100 फीडबैक आए, 10-20 फीडबैक आए, ताकि आगे उस फीडबैक के आधार पर हमारा भी विश्वास बना रहे, हमारा भी मन लगा रहे, हमारा भी दिल लगा रहे, हमें भी कुछ करने की इच्छा हो।
नमस्ते भैया, आज इस सत्र का यहीं समाप्त कर समाप्त करते। मणि कुमार जी क्वेश्चन लेंगे वो तो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। गोविंद भाई बस आपने अभी बताया था कि पानी को कैसे गर्म करके पीना है दिन भर ना भैया, जब आप बात कर रहे हो भैया। नहीं नहीं पहले सुशील भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भैया रुक जाओ। अगर आप यहाँ पे जुड़ के चिकित्सा सीख के चिकित्सा दे रहे हैं तो आप अपने कान खोल के रखे। मैंने बोला उबला हुआ पानी पीना है, अब उबला हुआ पानी कैसा होता है ये भी रोज रोज सिखाना पड़े तो ये अच्छी बात नहीं है। और खास करके भारत के लोगों को जो जुगाड़ जुगाड़ जानते हैं, हर चीज का जुगाड़ निकाल लेते हैं। अरे लिखना क्या है, उबाल के उबला हुआ पानी पीना है, बस सिंपल। क्या हो गया इसमें, कौन सा मंत्र पढ़ना है? आप और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा के तहत, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा सर का दर्द पूरी तरह से खत्म हो गया, पूरी तरह से जी भैया। और वो भी बिना दवा के, और ये सब चीजें हुई है जो अभी फीडबैक सुन सुन के आप लोगों का जो मिला, तो उस चीज की जो ऊर्जा आई, पॉजिटिव एनर्जी, तो पूरी बॉडी हील हो गई। और मैंने तो अपने बाल नोचे थे, आप लोग मत नोचना, जिनके बाल झड़ते वो ना नोचे, और मेरे झड़ भी जाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने भैया। आपका देखो फीडबैक सुनाने में ही आपका सिर का दर्द ठीक नहीं हो गया, तो अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने सुशील भैया। को यही वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। और आप अब मेरी आवाज से समझ सकते हैं कि इससे पहले मैं कैसे बोल रहा था और अब कैसे बोल रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे सर का दर्द छूमंतर हो गया आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के अनुभवों से। और यही है हमारी असली एनर्जी, हम तो यही खाते हैं और यही पीते हैं। निगेटिव ऊर्जा तो हम ना खाते हैं ना पीते हैं, अच्छी बातें हैं तो ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।